टाइटल के साथ, इसके टाइटल के साथ, बिकॉज इट्स मोर देन की इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैडम पूछना कि आईफोन की केबल हो तो वो मुझे ले जाना। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को आप यूं समझ लीजिए कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट के, ठीक है, यस, ओके। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों का बैकग्राउंड जो है वो सोशल साइंसेस का नहीं है, या जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर आप लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं पढ़े जो आपको रिलेट करें लॉ के साथ, हिस्ट्री के साथ, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ, उन कॉन्सेप्ट के साथ जो कॉन्सेप्ट सीएसएस के तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर रिपीटेडली आते हैं, ठीक है, जो कि क्रॉक्स हैं सब्जेक्ट्स का, वो कहीं ना कहीं आपको रिलेट करना पड़ जाता है उन टॉपिक्स के साथ, जो टॉपिक्स आप नेचुरली अपनी डिग्री में नहीं पढ़े होते आप लोगों ने। अब मैथमेटिक्स वाला बंदा तो नहीं पढ़ेगा उन कॉन्सेप्ट्स को, स्टेट क्या होती है, ठीक है। तो मेरी क्लास में सबसे पहला मेरा क्वेश्चन हर स्टूडेंट से ये होता है कि आप मुझे समझाएं कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद का क्या मतलब है, ठीक है, हमारे तराने के अंदर है ना जी ये। तो इसमें मुझे तीन चीज़ें समझा दें आप, कौम क्या है, मुल्क क्या है, सल्तनत क्या है। पढ़ते हैं ना जी, हमें कोई पता नहीं है, हम बचपन से जिस एक एजुकेशन सिस्टम से आ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली मैं अब उसको फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उसको सही करने का मैंने, मुझे जिम्मेदारी बड़ी शौक से उठाई कि जी सिंगल नेशनल करिकुलम है सो मुझे इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सो फॉर्चुनेट तो ये था कि चलो एटलीस्ट कुछ हमारी भी कंट्रीब्यूशन हो जाए, अनफॉर्चुनेट इसलिए था कि हम बदल नहीं सकते सिस्टम को, जो मर्जी कर लें, नीचे से पकड़े ऊपर से पकड़े इसने एक जैसे ही रहना। तो इस छोटी सी बात है कौम मुल्क सल्तनत, बता सकते हैं क्या है ये, फर्क बता सकते हैं इसमें तीनों में क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सल्तनत, ठीक है, इसके अलावा कोई वॉलंटियर, ठीक है। देखें अब ये इसमें कोई शेम की बात नहीं है, और मेरे लिए हर क्लास में ऐसा ही होता है, जितने भी एस्पायरेंट्स आते हैं उन सबको इन चीज़ों का नहीं पता था, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही नहीं होता ये, ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके लिए मेरे ख्याल से इससे बड़ी नेकी कोई नहीं एस्पायरेंट्स के साथ, और मैं अक्सर माजिद साहब को भी कहता हूँ कि ये आप तो फ्री में नेकी कर रहे हैं, एक्चुअली ये होता ही नहीं है सिलेबस में, ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। आप तो एस्पायरेंट्स हैं, आप आए हो यहाँ पे तैयारी के लिए सीएसएस की, आपको तो ये है कि आपके 12 सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवा दी जाए और आपको कहा जाए अल्लाह खैर सल्लाह आप जाके पेपर दें, ऐसे ही है ना जी। लेकिन उन्होंने ये बहुत अच्छा डिज़ाइन किया टॉपिक, ये जो है लेक्चर, और इसका जो मकसद है वो भी बड़ा अच्छा है कि आप लोगों की जो है वो बेसिक जो फाउंडेशन है वो इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रांग हो कि आप लोगों का जो भी एडिफिस उसके ऊपर बिल्ट होने जा रहा है वो इतना रिलायबल हो कि आप लोग सीएसएस में अगर उस टॉपिक को जिसको पढ़ के गए हो उसको जरा सा हट के पूछ ले तो आप वहां पे धांग ना रह जाएं, ठीक है। आप लोगों को मसला ही ना हो, आप लोगों को पता हो कि ठीक है ये मैंने चीज अपने से करनी है, इट्स ओके, ठीक है कि मैंने अपने से करनी है, इट्स ओके। और यकीन जाने 2016 के बाद सीएसएस के अभी जो एग्जाम आ रहे हैं, इवन अब पीएमएस में भी अब वो जेनेरिक क्वेश्चन नहीं पूछते, वो बिल्कुल नहीं पूछते 2+2+2 इज इक्वल टू क्या होता, नहीं पूछेंगे। वो थोड़ा सा घुमाते हैं चीजों को, वो थोड़ा सा कहते हैं कि आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करो, और थोड़ा सा आप अपने नॉलेज की जो आपके नॉलेज के अंदर कितनी जान है वो इस पेपर के ऊपर लेके आओ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उस पेपर के ऊपर जो कुछ आपने लिखना है वो जो 30 पेजेस हैं ग्रीन कलर का जो आपको शीट मिलेगी, बड़ी ग्रेसफुल शीट होती है सीएसएस की, आपने सुना होगा, ठीक है। आपने जो शीट के ऊपर जो भी लाइनें लगानी हैं उन लाइनों के अंदर कितनी जान है बेसिकली, तो आपके लिए आप जो कुछ भी हो, फिलासफर हो,
चाहे आपने पीएचडी की हुई है, लेकिन उसके लिए आप वही हो जो 30 पेजेस पे, वैसे ही है जी। उसके लिए तो वही हो ना, जो 3 घंटों में आपने उस पर लिख दिया है, तो जो आप लिखने जा रहे हो और आपने जो कॉन्सेप्ट उठाए हैं या जो क्वेश्चंस आपने चूज किए हैं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए आप लोगों ने देखा है कि यार ऐ तो मैनू आंदा ही कोई नहीं, ऐ तो मैं कीता ही कोई नहीं सी, ऐ तो आउट ऑफ सिलेबस है। इस तरह ना हो आपके साथ, आपकी तैयारी इतनी रिलायबल हो कि जहां से मर्जी होके आए, जहां से मर्जी होके आए, नो प्रॉब्लम। यकीन जाने जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो आप जरूर जीत के आएंगे। ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं मिलता, हजार कहते रहे मैं नहीं मानता इन चीजों को, मैं बड़ा रियलिस्ट हूं, मैं कहता हूं हजार कह लें कि कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक तैयारी नहीं होगी, जब तक पल्ले कुछ नहीं होगा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पल्ले कुछ होगा ना आपके, तो आप फिर देखेंगे कि मैं, फिर आप आंखें भी निकालेंगे लोगों को। और ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो वाकई दूसरों को जो है वो आंखें दिखाते हैं वहां पे, और दिखा दिखा के जो है ना वो करते हैं, ताकि जिन्हें रहना हो हूं ही रह जाए। ठीक है, सो ये कंपटीशन है, ये आम एग्जाम नहीं है, इसमें आपको कोई डिग्री नहीं मिलनी, ये कोई सेमेस्टर नहीं है कि आपने थोड़ा जो है वो सेशनल में कर लिया, थोड़ा सा मिड टर्म में कर लिया, थोड़ा सा फाइनल में कर लिया, तो अल्टीमेटली आपका जो है वो 3 क्रेडिट आने के लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आपने जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी करना है वो सारा साथ लेके चलना है। वो अभी आज जो पढ़ोगे चीज, जो आज सीखोगे चीज, ये चीज 2024 में जब आप बैठोगे फेब में जाके एग्जाम में, उस वक्त तक साथ लेके चलना है इसको। ठीक है, आज आपके चेहरे चमक रहे हैं, इंशाल्लाह 2024 में अगर आप सीरियस एस्पायरेंट होंगे आपके चेहरे पर रौनक नहीं होगी। ठीक है, लड़कों के बाल गिर चुके होंगे, लड़कियों की शक्लें गिर चुकी होंगी, ईमानदारी की बात है ये, मैं सही बात बता रहा हूँ। अगर आप सीरियस होकर तैयारी करेंगे तो ये कॉम्पिटिशन है। 49,000 एस्पायरेंट्स ने लास्ट ईयर अप्लाई किया है, एटलीस्ट 35 तो अपीयर हुए होंगे। 35 में से कितने लोगों को उन्होंने पास करना है पता आप लोगों को? कितने कोई अंदाजा है? 376, 350, 326, 35,000 में से। इमेजिन करें कि कितने बड़े कंपटीशन के लिए आप लोग जा रहे हैं। सो ये तो होगा, ठीक है, ये तो होगा। अगर आप लोगों ने इतना बड़ा एम सेट किया ना, आपकी लाइफ का वो टाइम है, वो फेज है कि अभी आप लोग इस टाइम के ऊपर अपनी लाइफ को कोई डायरेक्शन दे सकते हो, आप अपनी प्रोफेशनल डिग्री जो है इनमें परसू कर सकते हो, आप एम फिल करें या पीएचडी करें, टीचिंग करें, रिसर्चर बन जाएं, आप बाहर जा सकते हो, आप इवन अपनी डिग्री से हट के को काम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने वॉलंटरीली या अपनी मर्जी से या किसी के कहने पे ये लाइन चूज कर लिया ना जी, फाइनली चूज हो गई ये चीज कि आपने ये करना है। और यकीन जाने मैं आप लोगों को सलूट करता हूं कि आप लोगों ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबले का इम्तिहान चुना, ये आप लोगों को सलूट बनता है इस बात पे। देखें जंग तो सबसे बड़ी चुनी ना, जीतना हारना बाद की बात है, जंग तो सबसे बड़ी चुनी है आप लोगों ने, ये तो बात ठीक है। आपने दंगल मूवी देखी है? दंगल के अंदर जब उसकी बेटी पहला वो लड़के के साथ करती है ना, वो उसकी जो कुश्ती होती है, तो उसमें वो सबसे ताकतवर लड़का होता है उसके साथ जाके हाथ मिलाती है, तो वो आगे से वो जो जो करा रहा होता है वो इवेंट, तो वो कहता है कि अपनी बेटी को अभी भी पीछे खींच लो, कहता सबसे पहले तो बात ये है कि मेरी बेटी ने खौफ के ऊपर जो है वो फतह पा ली अभी से। तो जंग तो अच्छी चुनी है आप लोगों ने। आप लोगों में हमेशा, अब जो भी स्टूडेंट्स से मैं बात करता हूँ कि सीएसएस में दो तरह के लोग आते हैं, एक होते हैं एस्पायरेंट्स, एक होते हैं तमाशबीन। ठीक हो, ये जो तमाशबीन है ये एस्पायरेंट्स को भी खराब करते हैं। ठीक है, आप लोगों का पेपर अच्छे से चेक नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर 35,000 में से 300 या 400 या 500 एस्पायरेंट होता है, बाकी जो तमाशबीन होते हैं उन तबाशबीनों के अंदर कहाँ आपका पेपर छुपा है, हो सकता है स्किप हो जाए, उसको पता ही ना चले, जहां वह लोगों को फेल करता जा रहा है आप भी बीच में पिस जाओ। सो ये जो हमारा है बेसिकली, ये जो कोर्स है कि इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स,
या इसको हम कह लें कि बेसिक फाउंडेशन कोर्स, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये आपकी पॉलिटिकल साइंस के बहुत से इसमें टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, इंटरनेशनल लॉ के हैं, ठीक है, और इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के हैं, आपके डिफरेंट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से टॉपिक्स लिए गए हैं। सो इन टॉपिक्स का जो मैं बेसिक पर्पस है वो ये है कि आप लोगों ने जो कल को सब्जेक्ट्स उठाने हैं तो जब आप उन चीज़ों को देखो तो आपको एलियन ना लगे, आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को, आपकी फाउंडेशन के अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हों जो कि एक एस्पायरेंट को चाहिए। किसी भी एकेडमी के अंदर मेरे ख्याल से अभी तक इस तरह के कोर्सेज नहीं करवाए जा रहे हैं, इस तरह की चीजें नहीं पढ़ाई जा रही, उसकी रीजन क्या है? वारा नहीं खाना, सीधी सी बात है, वारा नहीं खाना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ईमानदारी से किसी एस्पायरेंट को तैयारी करवाना चाहते हैं तो इन चीजों के बिना तैयारी नहीं होती। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कौम मुल्क सल्तनत एक बंदे को सिर्फ फर्क हल्का हल्का पता है, बाकियों को यही नहीं पता। मैं आपको यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट बताना आपको शुरू कर दूं, थेरीज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट शुरू कर दूं, आपके ऊपर से हवाई फायर होंगे। ऐसे ही होगा ना जी, हवाई फायर होंगे आपके ऊपर से। आप लोगों को बस आप लोगों का जिम्मे था जी, मेरे जिम्मे था, मैंने आपको स्टेट पढ़ाना, ये देखें जी आउटलाइन है सीएसएस के सब्जेक्ट की, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, समझ गए? आई नहीं आती, आई समझ नहीं आती, मैंने तो पढ़ा दिया। ऐसे ही है ना जी, ऐसा नहीं है, इधर ऐसा नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन कॉन्सेप्ट्स को इंशाल्लाह आप मेरे से पढ़ेंगे, आपको समझ आई, मैंने आपको घोल के आपके अंदर डाल देने हैं ये, ठीक है? जो पहले क्लासेस चल रही हैं उनके किस एस्पायरेंट से पूछ लीजिएगा, एक तो मैं पढ़ाता हूँ दबा के और मैं पूछता भी दबा के हूँ, ठीक है? जो चीज़ मेरे से पढ़नी है मत सोचिएगा कि मैं पूछता नहीं हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं और मुझे शदीद नफरत है कि पढ़ी लिखी बात ऊपर से दे के रट्टा लगा के सुनाने की। कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझो, इनको समझो, जो मेरी खोपड़ी में नॉलेज है इसको लो, कल मैं पूछूंगा, मुझे ऐसे ही बताना है, क्योंकि ये चीज आपके सिलेबस का हिस्सा है भी है और नहीं भी है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझो और कल को अप्लाई करना सीखो। बल्कि सीखना क्या है, जब आप लोगों ने जब मेन सब्जेक्ट्स पे जाना है आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जानी है कि ये जो मैं अक्सर बात करता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि जब आप लोगों ने मेन सब्जेक्ट्स पे जाना है ना तो आपको ये चीजें याद आनी है, तो आपने माँ सच के करना है उस टाइम कि हमने उस टाइम ये चीज पढ़ी थी, आपको समझ आ जाएगी कि हमने ये चीज तब पढ़ी थी, उसका पर्पस भी समझ आ जाएगा, ये क्यों पढ़ाई गई थी हमें, क्यों पढ़ाई गई थी हमें ये चीज। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट में देखें नॉलेज की तो लिमिट कोई नहीं है, आप जितना मर्जी गेन कर लें, लेकिन मैं हमेशा एस्पायरेंट्स की बात कहता हूँ कि आप लोग ये समझ लो कि आप लोगों ने फिलासफर नहीं बनना, आप लोगों ने फिलासफर नहीं बनना, क्योंकि एफपीएससी को फिलासफर्स नहीं चाहिए, उनको फिलासफर्स बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको टू दी पॉइंट जवाब देने वाला बंदा चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सिविल सर्विस में जाना है और सिविल सर्विस के अंदर यस सर होता है, नो सर नहीं होता। यहाँ जहां पे आपने यस सर कर लिया उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे अब स्पेस मैंने खुद क्रिएट करनी है अपनी खोपड़ी से, ठीक है? आपको पता है मेरे साथ सर्विस के अंदर इतनी इतनी जगहों पे ऐसे मवाके आए हैं जहां पे मुझे पता है कि मैं गलत काम मेरे से करवाया जा रहा है, ठीक है? तो वहां पे मेरी खोपड़ी ने मुझे स्पेस बताना है मैंने कैसे निकलना है यहां से, ठीक है? यस सर तो मैंने ऊपर करना है, मैंने 4 साल यूनिफॉर्म पहना है, यस सर तो मैंने करना है ऊपर, ओके सर, राइट सर, सर सर सर, एक फोन कॉल के ऊपर 50 दफा सर कर देते थे हम, ठीक है? मतलब आगे से कोई सीनियर बात कर रहा है ना तो हमने सर 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 श्योर सर राइट 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 सर ओके सर यस सर ओके सर, यही चलता है। कभी देखा नहीं किसी को, किसी की फैमिली में है कोई सिविल सर्वेंट इधर, तो कभी देखिएगा उनको कॉल कैसे करते हैं, कैसे कॉल सुनी जाती है। उस सारी बात 50 दफा यस सर कहने के बाद भी मर्जी अपनी करनी है आपने, तो कैसी करनी है? फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो मनूवर करोगे ना जी, जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी चीजें कैसे चलती हैं तो मनूवर करोगे ना जी।
सो उनको वो लोग चाहिए जो यस सर करना सीखते हूं और अपनी स्पेस खुद बनाना जानते हूं, वो लोग उनको चाहिए। और आप लोगों ने अपनी स्पेस बनानी कैसे है अगर आपको पता ही कुछ नहीं है? तो क्लर्कों को कहने पे चलोगे ना जी, फिर तो सबॉर्डिनेट्स के कहने पे चलोगे ना जी, सर जी एंजी चलता आ रहे हैं, यही कहा जाता है। मुझे भी कहा गया था हर जगह, सर जी एंजी चलता आ रहे हैं। अगर सर को फाइल ही नहीं पढ़नी आती, सर को पता ही नहीं है कानून क्या है, पॉलिसी क्या है, रूल्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं, कैसे मैंने यहां से चीजों को मैंने SOPs के अकॉर्डिंग PRs के तहत मैंने निकालना है, आपको नहीं पता। इसलिए जैसे CSS के जो आपके SOPs हैं, जो TORs हैं, उसके लिए जरूरी है कि ये चीज आप लोग पढ़ें। और मेरे ख्याल से ये आप ये चीजें पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है? और ये जब आप सब कुछ पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा कि अब CSS का कोई भी सब टॉपिक उठाए, मैं मिसाल के तौर पर आप बता दो, सिक्योरिटी का टॉपिक इसके अंदर एक आएगा, ठीक है? अब आप CSS के करंट अफेयर का आपने आउटलाइन जाके देखनी है, और पाकिस्तान अफेयर्स की देखनी है, पॉलिटिकल साइंस की देखनी है, और इवन आपने इंटरनेशनल रिलेशंस की देख लें, इंटरनेशनल लॉ की देख लें, और ये मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ जो रखे जाते हैं आमतौर पे, यूरोपियन हिस्ट्री देख लें आप, अमेरिकन हिस्ट्री देख लें आप, क्रिमिनोलॉजी देख लें, ठीक है? ये सारे जो आपको इशू तो नहीं हो रहा ये लाइट कम होने की वजह से, ठीक है? तो आप जब आप ये चीजें पढ़ लोगे ना तो आप कल को जब वो टॉपिक्स पढ़ने लगोगे, मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, करंट अफेयर के अंदर एक आपके आउटलाइन के अंदर एक चीज होगी जियो स्ट्रेटेजिक रीजनल डायनामिक्स पाकिस्तान की जो हमारे हैं, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, ठीक है? SCO के रिलेटेड आपसे सिक्योरिटी से क्वेश्चन किया जाएगा, इंडो पैसिफिक ओशन का है एक आपका एक प्रॉपर उसके रीजनल राइवलरीज के, ये सारी चीजें जो है सिक्योरिटी से एसोसिएटेड है सारी। अब इंडो पैसिफिक क्या है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी क्या है, ठीक है, जियो इकोनॉमिक्स क्या है, ये चीजें ऊपर से गुजरेंगी ना जी, मैथ्स वाले और बायोटेक्नोलॉजी वाले और ये लोग सारे ऊपर से गुजरेंगे। क्यों गुजरे जी, क्यों गुजरे जी? एक एस्पायरेंट इधर आया है, मेरे से पढ़ने आया है, मैं उसको चीज पढ़ा के चला जाऊं, क्यों चला जाऊं? उसको जो चीज नहीं आती उसको आनी चाहिए, ठीक है? उसको पता हो कि ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसके अंदर ये क्या पूछ रहा है मेरे से, और मैंने इसको क्या बताना है। जब आपको ये समझ आगी ना पूछ क्या रहा है तो बता लोगे आप लोग, ऐसे ही है। तो समझ ही ना आए पूछ क्या रहा है तो क्या लिखना है आप लोगों ने। बहुत से एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम दे के आते हैं और बताते हैं सर जी मैनू तो सवाल ही नहीं सी आंदा, ठीक है? और ईमानदारी की बात है जब उसको बताते हैं कि उस बारे में ओ शिट ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। प्रॉब्लम ये है कि आपको बेस जब वीक होगी ना चीजें ऊपर से गुजर जाएंगी, चीजें ऊपर से गुजर जाएंगी, जो चीजें पढ़ी होंगी वो भी नहीं पता होगा क्या पढ़ी है। सो ये कॉन्सेप्ट जो थे ये बहुत से इंसिस्ट करके जो है ना वो मैंने इन चीजों के अंदर जो है ना वो रखवाई है। मैंने अपनी ऑनर्स में मैंने ज्योग्राफी मेरा मेजर था और साथ में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मेरे जो है वो अलाइड सब्जेक्ट्स थे, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशंस जो था वो मेरा अलाइड था मास्टर्स के अंदर, ठीक है जी? और जो मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया, तो ये खैर मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं पढ़ाता कम हूँ बताता ज्यादा हूँ, ठीक है? मैं पढ़ाता कम हूँ बताता ज्यादा हूँ, तो मेरी आदत है कि मैं चीजें जहां पे मुझे लगी कि बच्चे बोर हो रहे हैं तो मैं स्टोरीज के फॉर्म में बताना शुरू कर देता हूँ। सो मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप लोगों को जो है वो आप लोग यहीं से एस्पायरेंट और CSS के मतलब बहुत अच्छे कैंडिडेट बन रहे, ये है कि अगर आप लोग आ गए हो तो आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते जाओ, तो जो मैंने आज सिखाना है एटलीस्ट वो तो सीख के जाओ। सो ये एक बड़ा यूनिक सा है हमारा जो है ना ये सब्जेक्ट, और इसमें कुछ चीजें मैं आपसे पूछूंगा शुरू में। सो इसका जो बेसिक पर्पस होगा आप लोगों से पूछना वो ठीक है, बेसिक पर्पस है वो
The main aim of this course is to try and then एक बात मैं आपको बता दूं, ऊपर से पढ़ के पढ़ाना मेरा जो है वो कभी भी नहीं रहा, एक आदत नहीं रही और मुझे बहुत नफरत है ऊपर से पढ़ के पढ़ाने को, ठीक है। मैं बोल के पढ़ाता हूँ, ठीक है, और लिख के पढ़ाता हूँ, और ये समटाइम मजबूरी होती है कि मैं एज पेरेंट्स को देखा है कि अगर ऊपर से ना कराओ तो वो स्लाइड पढ़ के नहीं फिर आते, ठीक है, वो फिर पढ़ के ही नहीं आते, वो समझते हैं कि जो कुछ सुन लिया ना मुझे वो याद हो गया, मैंने मेमोराइज कर लिया, इट्स ओके, मुझे नहीं पता होगा मैंने आप लोगों को अभी क्या पढ़ाया दो घंटे के बाद, मुझे नहीं याद होगा, आप लोगों को कैसे याद होगा, कॉन्सेप्ट तो ठीक है वो तो सेम रहेंगे, लेकिन मैंने क्या क्या बीच में आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं तो पूरी दुनिया को मानी आप लोगों को एग्जाम्पल्स दे देके, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आने वाला है। तो इसमें फिर मजबूरी होती है कि आप लोग बाद में इन चीजों को देखो, और आपको देखनी पड़ेंगी क्योंकि मैं चीजें सुनता हूँ, यहाँ खड़ा कर लेता हूँ क्लास पूरी के सामने, कहता हूँ कि बताएं, और फिर मैं वो किताब वाला नहीं सुनता, मैं कॉन्सेप्ट पूछता हूँ, ठीक है, ये पहले दिन बता दूं आपको। सो द मेन एम ऑफ द कोर्स इज टू ट्राई एनालाइज द की इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स सो दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडियाज गोज बियॉन्ड आवर इनिशियल बिलीव्स। इनिशियल बिलीव्स का मतलब ये है कि जब मैंने कौम मुल्क सल्तनत आप लोगों से पूछा है तो आप हर बंदे के दिमाग में अपना उसकी अपनी इमेजिनेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका आइडिया आता है, ठीक है, कौम का आपको पता है या नहीं पता, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आने की कोशिश तो उसने की कि क्या होगा, ये बेशक आपकी जुबान पे नहीं आया, आप लोग डर गए शायद ये गलत ना हो, लेकिन आया तो जरूर ना, वो जो आपके दिमाग में बात आई वो आपका इनिशियल बिलीफ है, वो गलत हो सकता है, आप लोगों के पास अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो यकीनन वो गलत होगा, ठीक है, तो कभी चल सकता है, लेकिन आप लोग जो कुछ भी समझते हो सीएसएस के बारे में, जो कुछ भी जानते हो सीएसएस के बारे में, आप लोगों के वो तमाम कॉन्सेप्ट्स, उन सब्जेक्ट्स के बारे में कॉन्सेप्ट्स, उनके जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनके बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो सारे कॉन्सेप्ट्स चेंज होने जा रहे हैं, ठीक है, अगर सही हैं तो वैसे ही रहेंगे, अगर गलत हैं तो ठीक होने जा रहे हैं। सो नोइंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ओके, सो यहाँ पे अगर पाकिस्तान लिखे तो उसका मतलब कतन ये नहीं है कि मैंने आपको दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताना, ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताना है, वो मुझे चाहे IMF जाके समझाना पड़े, वर्ल्ड बैंक में जाके समझाना पड़े, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाके समझाना पड़े, इकोनॉमिक्स का अगर कोई आ गया फैक्ट तो, ठीक है, जैसे भी समझाना पड़ेगा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक हो गया। उसके बाद कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस अपॉन ईच अदर, ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर मेजर जो डायमेंशंस होती हैं वो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यही होती है, इसके अलावा लाइक सपोज हम रिलीजियस कहते हैं तो वो सोशल सोसाइटी की ही एक डायमेंशन है, तो हम ब्रॉडली इन तीन चीजों में ही डिवाइड करते हैं अपने अफेयर्स को, इश्यूज को, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, मिसाल देता हूँ आपको, देखें आजकल प्याज बड़े महंगे हैं और टमाटर बड़े महंगे हुए हैं, ऐसे ही है जी, ये इकोनॉमिक इश्यू है, इकोनॉमिक इश्यू है ना जी, इन्फ्लेशन, ओके, इन्फ्लेशन क्यों है या फिर इसके पीछे मेन रीजन क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज्यादा है सप्लाई नहीं है, सैलाब आया हुआ उन इलाकों में जहां से ये आती है सप्लाई, सो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, फूड प्राइसेस पे पड़ रहा है, ऐसे ही है ना जी, फूड प्राइसेस पे पड़ रहा है, और फूड प्राइसेस से हमारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, सोसाइटी डिस्टर्ब हो रही है, ऐसे ही है, सो इकोनॉमी सोसाइटी से एसोसिएटेड है कि नहीं, समझ आ रही, तो मैं बहुत सी घरेलू मसाले भी देता हूँ इसलिए बोर नहीं होना, सो इसकी रीजन ये है कि हम अच्छे तरीके से चीजों को रिलेट कर लें, मेरा कतान मकसद आपको रट्टा नहीं लगाना और मैं सख्ती से खिलाफ हूँ इस चीज के, ठीक है, ऊपर से पढ़ के पढ़ाना, रट्टा लगवाना बच्चों से नहीं, सीएसएस ऐसे नहीं होता, जो करवा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये आपकी खोपड़ी में चीजें होती हैं, यकीन जाने आपको 5वीं क्लास में पढ़ी हुई चीज भी वहां पे काम आ जाती है, वहां पे काम आ जाती है अगर आपने अच्छे से पढ़ी हुई थी तो, ठीक है, सो
Getting students with the concepts, ideas, and vocabulary which will help them in achieving success in competitive exams. इसमें बाकी चीजें तो आपको समझ आ रही हैं कि vocabulary भी एक word आया है. मैंने पहले use किया ना geoeconomic, geostrategic. ये बड़े-बड़े नाम आप सुनते हो और आप डर जाते हो. वो मेरे को इतनी होना CSS. ठीक है? नहीं डरोगे इंशाल्लाह. नहीं डरोगे. आंखों में आंखें डाल के जाओगे उन लोगों के कि मुझे पता है तुम्हें नहीं पता. ठीक है? आप लोग इंशाल्लाह नहीं डरोगे. आगे चलते हैं. हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो है पॉलिटिक्स. वो क्या है? पॉलिटिक्स. इसमें सबसे पहले पॉलिटिक्स को क्यों रखा गया? पॉलिटिक्स को क्यों रखा गया? दुनिया में जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, जो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का जो फादर है या मदर कह लें, वो फिलॉसफी है. वो क्या है? फिलॉसफी है. लेकिन फिलॉसफी ने आप लोगों को जूलॉजी की यहाँ बैठे हुए मैडम, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल. ठीक है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है? अरिस्टोटल. ठीक है मैडम, आप साथ ही पॉलिटिकल साइंस में, दोनों का फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी अरिस्टोटल है. और जूलॉजी की प्रॉब्लम क्या है, पुराने जमाने में फलसफा जब था तो फलसफे में रीजनिंग होती है. क्या रीजनिंग होती है? दिमाग में एक आइडिया को बिल्ड किया जाता है, फिर उसको गिराया जाता है, फिर नया बिल्ड किया जाता है. थीसिस एंटीथीसिस, डरना नहीं है मैडम. अगर आपको मेरी पीछ से मसला हो तो पीछे चले जाना. ठीक है? मैं बड़ा ऊंचा बोलता हूँ. ठीक है? थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस. ठीक हो गया? वो सिंथेसिस फिर नया थीसिस बनेगा, उसका एंटीथीसिस खुद पेश करेंगे अपनी खोपड़ी में. ठीक हो गया? अपनी खोपड़ी में ऐसे हो तो क्या होगा? आर्किमिडीज, पता है आप लोगों को, वो वाटर की जो बॉयंसी है, इसके बारे में परेशान था कि वाटर में जब बंदा शिप्स जाते हैं तो डूबते क्यों नहीं है. ठीक है? अल्टीमेटली उसको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया. उसने बहुत ज्यादा थीसिस एंटीथीसिस अपने दिमाग में दिए, तो फिर उसको नहाते हुए एथेंस के एक तालाब में पता चल गया कि बंदा डूबता क्यों नहीं है, क्योंकि वाटर जो है उतना ही फोर्स पुश करता है जितना आप नीचे उसको पुश करते हैं. ठीक है? तो वो लिखा है किताबों में कि वो वहां तालाब से निकल के एथेंस के बाजारों में नंगा भाग गया कि मैंने पा लिया मुझे, क्योंकि इतने अरसे से वो ये बात सोच रहा था. वो इस तरह के लोग थे जिन्होंने फलसफे के लिए काम किया है, और उस फिलॉसफी से दुनिया के डिफरेंट सब्जेक्ट्स निकले. सो फलसफा आपको बताना मकसद नहीं है यहां पे. ठीक है कि मैं फलसफे से शुरू करूं. ठीक है? लेकिन हमारा यहां पे मेन जो मकसद है, जो मुद्दा है, वो ये है कि हम CSS की तैयारी में जब जा रहे हैं तो CSS वालों का, हमारे मुल्क का, FPSC का, इन सब का मुद्दा क्या है? समझ आ रही है बात? ये क्या चाहते हैं, ये क्या मांगते हैं? इन्होंने जितने भी सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ चीजें कॉमन है. अगर कुछ के अंदर कॉमन नहीं भी है तो वो डाइवर्सिटी देने के लिए या मजबूरी के लिए आप समझ लें, लेकिन जो मेजॉरिटी है, जो कंपल्सरी है, उनके अंदर कॉमन है. मिसाल के तौर पे इस्लामिक स्टडीज है एक सब्जेक्ट. अब उसके अंदर आपको पता है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए मल्टी स्ट्रेटजिस्ट, एज ए रोल मॉडल फॉर द पीपल, एज ए रोल मॉडल फॉर द डिप्लोमेट्स. ये पढ़ी है आउटलाइन के अंदर चीजें आपने पढ़ी है ना जी? देखिए इस्लामिक स्टडीज कहाँ पे और स्टेट की चीजें कहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इस्लाम, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर होली प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द पाइस रूलर्स, ठीक है, खुलफाए राशिदीन. तो बंदा सोचे कि हर चीज में स्टेट क्यों घुसी हुई है, ये पॉलिटिक्स क्यों घुसी हुई है? अब पाकिस्तान की हिस्ट्री या पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ने के लिए आप लोग आते हो तो सारी पॉलिटिक्स ही पढ़ते हो. आप लोग पॉलिटिक्स ही पढ़ते हो. कैबिनेट मिशन प्लान का पता आप लोगों को? कबीना मिशन प्लान सुना है कभी? 3 जून का मनसूबा पढ़ा है कभी? मशरती आलूम में पढ़ा है ना जी? ये सारी चीजें क्या है? ये पॉलिटिक्स ही थी उस जमाने की. जिया की इस्लामाइजेशन, अयूब खान ने जनाब ये कर दिया, ये तमाम चीजें क्या है? ये पॉलिटिक्स ही तो थी. ऐसे ही है ना जी? ये हमारा पाकिस्तान अफेयर्स है. उसके बाद करंट अफेयर्स पे आ जाएं,
करंट अफेयर में इससे भी हम थोड़ा बयान चले जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में। आपके जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में चले जाते हैं, और वहां पे भी पाकिस्तान से जो रिलेटेड है चीज उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर हमारे रीजन के अंदर जियो इस टाइम जो एक सर्द जंग चल रही है अमेरिका और चाइना के दरमियान, ठीक है। अब सर्द जंग का एक लफ्ज है, मेरी आदत नहीं है ऐसे लफ्जों को छोड़ के जाने की, मैं आप लोगों को बताऊंगा सर्द जंग क्या होती है, ठीक है। ये जो चल रही है इसके पीछे इसके डायनामिक्स क्या है, इसके पीछे इंटरेस्ट क्या है स्टेट्स के, चाइना के क्या है, अमेरिका के क्या है, इंडिया के क्या है, पाकिस्तान के क्या है, रीजन के बाकी कंट्रीज के क्या है, इन तमाम चीजों को समझने के लिए आप लोगों को जरूरी है आप लोगों को पता हो कि पॉलिटिक्स क्या होती है। ऐसे ही है ना जी, स्टेट क्या होती है, स्टेट की इंटरेस्ट क्या होते हैं। मैं आप लोगों को आऊं सीधे हवाई फायर करने शुरू कर दूं जी, देखें जी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ये जो है वो पर्ल रिंग्स बना रहे हैं, ये जनाब इंडिया जो है वो अपना नेकलेस बना रहा है, बड़े बड़े जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ब्लू नेवी बना रहा है चाइना, ये कर, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आना, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आना। होगा क्या, अल्टीमेटली एक महीने के बाद 15 दिन के बाद आप दिल छोड़ दोगे कि मिथु काम डाडा मेरे से ये नहीं होने वाला। प्रॉब्लम ये है कि आपको जब पकड़ के पहली सीढ़ी से जब आठवीं सीढ़ी से शुरू कर दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि मैंने तो इस चीज के पैसे लिए, ये ज्यादती है स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा, वो जमाना नहीं रहा जब सिर्फ सोशल साइंसेस के बैकग्राउंड वाले बच्चे आया करते थे इसके अंदर, और उन लोगों को पता होता था कि ये चीजें क्या हैं, और खास तौर पे पॉलिटिकल साइंस आयार हिस्ट्री वाले लोग, उनको इन चीजों का आइडिया होता था। अब लोग और बैकग्राउंड के आ रहे हैं, अब नेचुरल साइंसिस से प्योर साइंसिस से लोग आ रहे हैं, उन लोगों को नहीं इन चीजों का पता। अब यहाँ पे फिजिक्स वाले भी कोई थे, मैंने भी पूछा, मैथमेटिक्स वाले तो हैं, आप लोग मैथ्स तो जानते हो अच्छे तरीके से, मैं वैसे हमेशा उन लोगों से बहुत इंप्रेस होता हूँ जो मैथ्स में डबल मैथ्स में वो जो इतना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मैथ मेरे लिए हमेशा से एक नाइटमेयर रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं है कि मैंने उसको किया या नहीं है, बड़ा अच्छे से किया लेकिन दिल से नहीं किया, दिल पे मतलब दिमाग एक चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता, मजबूरी समझ के किया, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोग अगर मैथ्स वाले और बाकी मैं आप लोगों को ये मजबूरी नहीं बनने दूंगा, मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले थे, उन्होंने मेरी मैथ्स मजबूरी बना दी, आप लोगों को मैं ये वाले सब्जेक्ट्स नहीं बनने दूंगा मजबूरी। आप लोग मजे से सीखोगे, आप सीखोगे फिर पढ़ोगे, ठीक है। सो देखो पूरी दुनिया के ऊपर पावर और रिसोर्सेस दो चीजें हैं जिसके लिए इंसान लड़ते हैं झगड़ते हैं, जो हर किसी को चाहिए, ऐसी है पावर रिसोर्सेस हर किसी को चाहिए, इसीलिए ये दोनों बहुत ही प्रेशियस है क्योंकि हर किसी को चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों चूंकि हर किसी को चाहिए, इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का, जिस चीज की जितनी डिमांड ज्यादा होगी, जितनी डिमांड ज्यादा होगी उसकी उतनी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर आप वैल्यू को कम रखना चाहते हो तो उसकी सप्लाई को बढ़ाओ, यानी कि पानी है, पानी अगर 100 लोगों को चाहिए और एक बॉटल है तो बंदे को पता है कि मुझे ये 100 रुपए में क्या है, 1,00,000 में मिले ना लेके पी लूं, ऐसे ही है ना जी, सबको पता है ये 20-30 रुपए की चीज है, लेकिन अब नहीं है तो लेनी है ना। यही हुआ था ना कोविड के दिनों में, सप्लाई शॉर्ट हो गई थी तो दुनिया में जो एक साबुन की जो एक वो पैक होता है वो भी 300-300 का बिक रहा था, और जो सैनिटाइजर जो थे वो पता नहीं 20,000 के बिकते रहे हैं, जो कि 200-300 की चीज है। ऐसे ही है जी, ये डिमांड सप्लाई है, डिमांड बढ़ गई थी, सप्लाई पीछे से थी नहीं, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, वर्कर्स ले ऑफ कर दिए गए थे, घरों को चले गए थे, ठीक है। सो प्रोडक्शन नहीं हो रही थी ना, सो यहाँ पे वही हम फार्मूला लगाते हैं, अब समझ आ गई डिमांड सप्लाई की, आपको वही यहाँ पे वही लगाने लगा हूं मैं। देखें पावर एंड रिसोर्सेस दोनों क्या है, दुनिया के ऊपर काम है और हर बंदे को चाहिए भी,
तो वैल्यूएबल तो हो गए ना जी, ऑटोमेटिकली हो गए। जब ये वैल्यूएबल हो गए तो हमने देखना है कि अब लोग कैसे मनूवर करते हैं इसको लेने के लिए, पावर को और रिसोर्सेज को कैसे कैच करते हैं, उसके लिए वो टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे घरेलू मिसाल देता हूं, सास और बहू एक ही घर है, एक ही पावर है, दोनों क्लेम कर रही हैं, गॉट इट? खवातीन को ज्यादा समझ आ रही है, एक ही पावर को क्लेम कर रही हैं। सास पावर देना नहीं चाहती, नहीं आने वाली बहू जो है वो कहती है कि मैं सब कुछ छोड़ के इस पावर के लिए आई हूं जो तुम देना नहीं चाह रही। तो क्या हुआ, वो जो घर है वो एक सल्तनत, उसके अंदर पावर के लिए जंग शुरू हो जाएगी। अब वहां पे टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल होगा, कान भरे जाएंगे, टांगे खींची जाएंगी, ठीक है, झूठ बोले जाएंगे, तमाशे किए जाएंगे, समझ आ रही है? तो ये क्या है, ये पॉलिटिक्स है, ये क्या है, ये पॉलिटिक्स है। लेकिन प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या है कि हम जो पॉलिटिक्स का वर्ड है ये नेचुरली एसोसिएट करते हैं स्टेट के साथ। किसके साथ? स्टेट के साथ। सो बहन भाइयों की आपस में जो पॉलिटिक्स चल रही होती है, जो घरेलू चल रही होती है, लोगों की आपस में चल रही होती है, फैमिली खानदानों में भुप्पी के साथ जो चल रही होती है, वो सारी पॉलिटिक्स की डेफिनेशन में हम तो उसको कह सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स है, लेकिन लिटरेचर के अंदर ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये टैक्टिक्स है, ठीक है। सो जो पॉलिटिक्स है ये स्टेट और सोसाइटी से एसोसिएट किया हमने, ठीक है, ब्रॉडली जहां मर्जी इसको इंप्लीमेंट कर लें, ब्रॉडली जहां मर्जी इंप्लीमेंट कर लें, लेकिन बेसिकली ये जो वर्ड पॉलिटिक्स है ये पॉलिस से निकला है, POLIS, पॉलिस, पॉलिस, पॉलिस। आज से तकरीबन 3000 साल पहले, 3000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से भी पहले, ठीक है, एथेंस, एंशंट ग्रीक्स जो थे उनका कैपिटल था एथेंस, ठीक है, आज भी जो ग्रीस है उसके कैपिटल का नाम एथेंस है, उन्होंने उसको आज तक बचाए रखा है। आप लोगों को समझ आ रही है जो मैं बातें बता रहा हूँ? आप लोगों को भी आ रही है? ठीक है, वहां पे ये जो लोग हैं, ये जो पागल अरिस्टोटल, आर्किमिडीज, प्लेटो, सोक्रेटिस, ये पागल लोग जो फिलोसोफर थे जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, आज हम उनके बताई हुई बातों के ऊपर जाके इतनी तरक्की कर गए हैं, ये वहां पे बैठा करते थे चबूतरों के ऊपर, बाजारों के अंदर, ठीक है, और वहां पे बहसें किया करते थे एक दूसरे से, ठीक है, बहसो मुबाहसा किया करते थे उन लोगों का। इनमें कुछ लोग पॉलिटिक्स पे बात करते थे, कुछ सोसाइटी पे बात करते थे, कुछ साइंस पे बात करते थे, कुछ खुदा पे बात करते थे, कुछ मिथ्स पे बात करते थे। ग्रीक मिथोलॉजी, इंग्लिश किसकी थी, इधर इंग्लिश किसी का था, आपने पढ़ी होगी ग्रीक मिथोलॉजी किसी ना किसी हिसाब से, कुछ राइटर्स ने लिखा है इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छा इनके ऊपर। सो इन लोगों का प्रॉब्लम क्या था कि सोचते बहुत थे, दिमाग का सही इस्तेमाल करते थे। सो इन लोगों ने उस टाइम छोटे छोटे महलों, महल्ले कहूंगा मैं उनको, क्योंकि 5000 पीपल आजकल के तो एक कॉलोनी के बीच से ज्यादा होते हैं, ऐसे ही है जी, तो एक गांव भी आजकल जो पंजाब का या सिंध का तो छोटे घोट हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो गांव है पंजाब के यहाँ पे अबाउट 5000 से भी होती है नॉर्मल गांव की जो है वो आबादी। सो उस टाइम पे एक प्लेटो था, उसका उर्दू में अफलातून कहते हैं, क्या, अफलातून। एक सुक्रेटिस था, उसको उर्दू में सुकरात कहते हैं, क्या कहते हैं,
एक अरिस्टोटल था, उसको अरस्तु कहते हैं, याद रहेंगे नाम। प्लेटो को क्या कहते हैं? अफलातून। वो पंजाबी से ना, अड्डा तू अफलातून। ठीक है, तो बेसिकली हम प्लेटो के साथ उसकी तशबीह दे रहे होते हैं। सो इन लोगों ने उस टाइम पे डिफरेंट थेरीज पेश की कि स्टेट क्या होती है, स्टेट कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, डिफरेंट डिबेट्स किया करते थे। वो जिन जगहों पे ये रहते थे उन जगहों को पोलिस कहते थे। वो जो छोटी छोटी कॉलोनी या मोहल्ले या जगह थी, उनको ये स्टेट कहा करते थे कि ये स्टेट है, ये क्या है, स्टेट है। उस स्टेट को ग्रीक में क्या कहते थे? पोलिस, पोलिस कहते थे। सो पोलिस से निकला पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मीन्स जो जो स्टेट है उसके अफेयर्स के रिलेटेड जितने भी आपके टैक्टिक्स होंगे, जितने भी एक्शंस होंगे, जितने भी इंस्टीट्यूशंस बिल्ट होंगे, जितने भी लोग काम करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो किस में आएगा? पॉलिटिक्स में आएगा। किस में आएगा? पॉलिटिक्स में आएगा। सो पॉलिटिक्स का वर्ड पोलिस से निकला है। पोलिस का मतलब है सिटी स्टेट। सिर्फ स्टेट नहीं कहते थे, अपने इलाके को सिटी स्टेट कहा करते थे। ठीक है, सिटी स्टेट। तो एंशिएंट ग्रीक्स की सिटी स्टेट्स हुआ करती थी। जो प्लेटो था वो कहता था कि 5,070 पीपल इनफ है एक स्टेट के लिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अरिस्टोटल उससे अख्तलाफ, हालांकि उसका स्टूडेंट था, अख्तलाफ करता था। वो कहता था कि इसमें लिमिट नहीं लगानी चाहिए, कम से कम इतने हों कि सेल्फ सस्टेनिंग हों। सेल्फ पता है ना इसका मतलब क्या है? मतलब कि वो अपने अपने ऊपर रहते हुए जी सकें, अपने रिसोर्सेज के ऊपर रहते हुए जी सकें, किसी के पास ना उनको चीज ले जाने लेने के लिए जाना पड़े। तो ये कहते थे सेल्फ सस्टेनिंग हो, इतनी कम ना हो इससे, और इतनी ज्यादा भी ना हो कि वो आइडिया ऑफ स्टेट के लिए सेल्फ डिफीटिंग हो। ठीक है, सो इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट आते रहे। सो पहला, सबसे पहला टॉपिक रखना पड़ा हमें पॉलिटिक्स। अब मुझे एक बात बताएं, आजकल जितने भी एस्पायरेंट्स आ रहे हैं, अगर आप लोग समझो तो ज्यादातर लोगों को पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रखना पड़ रहा है, ऐसे ही है। कुछ को आईआर रखना पड़ रहा है, जो इससे भागते हैं वो जगहों पे जाते हैं, ऐसे ही है ना जी। और दूसरी तरफ लोग क्यों नहीं जाते, वहां पे नंबर नहीं आते, और खास तौर पे जो पंजाब के लोग हैं उनको तो नंबर चाहिए, ऐसे ही है ना जी। सबसे ज्यादा हर साल जो एलोकेशन नहीं होती जिन लोगों की, वो पंजाब से लोग होते हैं, क्योंकि मार्क्स कम होते हैं, सीटें भी कम होती हैं, तो फिर उन लोगों को रखा जाता है जो टॉपर्स होते हैं। ठीक हो गया, जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं उनको रख लिया जाता है, बाकी को कहा जाता है अल्लाह हाफिज। सो फिर इसलिए मजबूरन बच्चे वो सब्जेक्ट्स रखते हैं जिन सब्जेक्ट्स के अंदर वो स्कोर अच्छा ले सकें। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, एस्पायरेंट्स हैं जिनको मैंने देखा है कि उनकी डिग्रीज जो थी वही डिग्री वाला सब्जेक्ट 200 में मिलता है, लेकिन नहीं करते। वो कहते थे मार्क्स नहीं आते, मार्क्स नहीं आते तो हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमने तो एलोकेट होना जी, चाहे पंजाबी रख के होना जी, सिंधी रख के होना जी, क्या मसला है, हमने तो मार्क्स लेने हैं। सो बात है पॉलिटिक्स की। तो वो सारे एक्शन, वो सारी चीजें क्या थी, हमने उन सब को बयान करने के लिए कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन जो लिटरेचर के अंदर है वो मैंने आपके सामने रखता हूं। ठीक है, आपको पॉलिटिक्स का पर्पस समझ आ जाएगा, और उसके बाद आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिक्स है, आईआर है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, इवन ज्योग्राफी है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके अंदर यही तमाशे हैं सारे। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाए इवन इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाए, हर जगह आपको ये तमाशे मिलेंगे, क्योंकि हम पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को और सोसाइटी को अलग अलग नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। एक इंसान अपनी जिंदगी से इन तीन चीजों को माइनस नहीं कर सकता, करके दिखाएं। सब लोग ओपिनियन रखते हो ना पॉलिटिक्स के बारे में, चाहते ना चाहते हुए भी, ए पॉलिटिकल लोग तो बिल्कुल भी नहीं है, पैसे भी आप सबको चाहिए। ठीक है, और
सोसाइटी के जो मामलात हैं, फैमिली है आपकी, फ्रेंड्स हैं, ये ग्रुप है, ये सारे लोग आप लोग इनको माइनस कर सकते हो अपनी जिंदगी से? नहीं कह सकते ना, सोशल एनिमल हो ना जी। ये भी अरिस्टोटल ने ही कहा था, ये भी अरिस्टोटल ने ही कहा था कि इंसान सोशल एनिमल है। उसने कहा था ये दुनिया का वाहिद एनिमल है जो बोलता है, अगर ये बोलना बंद कर दे और बाकी एनिमल में इसमें कोई फर्क नहीं है, वो भी नहीं बोलते, ये भी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बोलता है इसलिए सोशलाइजेशन की तरफ जाता है। ऐसे ही है ना जी, गूंगू की कितनी किसे सोशलाइजेशन होती है, तो बेचारे अब जरूरत की मजबूरी की बात करते हैं ना जी, लोग भी उनसे मजबूरी की करते हैं। हम सोशल एनिमल है क्योंकि हम बोल सकते हैं, हमारे अलावा अगर कोई जानवर बोल सकते, जो जो बोल सकते हैं उनकी सोशलाइजेशन अच्छी है, कवे बोल सकते हैं, अच्छे खासी उनकी आवाजें हैं और वो ठीक ठाक कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। बंदर कम्युनिकेशन लेवल उनका भी अच्छा है क्योंकि उनकी आवाजें ठीक ठाक हैं, हमारे जितनी तो किसी की नहीं है, जितना हमारा दिमाग डेवलप है इतना तो किसी का नहीं है। लेकिन वो कहता है कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है। और आगे क्या बात करता है, कहता है कि कोई इंसान अगर कुदरती तौर पे, ठीक है, या बाय एक्सीडेंट विदाउट स्टेट के एग्जिस्ट कर रहा है, तो या फिर वो खुदा है या वो बीस्ट है, ठीक है, या वो खुदा है या वो बीस्ट है। कहता है कि इंसान अगर इस दुनिया पे आया है तो उसने पॉलिटिक्स को भी फेस करना है, उसकी जिंदगी में पॉलिटिक्स आनी है और स्टेट से भी उसका पाला पड़ना है। ऐसे ही है, आप लोग बाहर जाते हो, कोई बंदा आपको टच नहीं करता, कोई बंदा आपको मारता नहीं है, कोई बंदा आपकी चीज चोरी नहीं करता, कभी सोचा है क्यों नहीं करता? स्टेट के डंडे की वजह से नहीं करता। अब स्टेट क्या है, उसका डंडा क्या है भाई? आप लोग स्टेट इस रियासत पाकिस्तान के बाशिंदे हो, रियासत आपको ओन करती है, रियासत माँ होती है, वो आपको ओन करती है, आप उसके बच्चे हो, उसने आपके नाम रखे हुए हैं, उस नामों के उसने आपको आईडी कार्ड दिए हुए हैं कि ये मेरा बच्चा, इसका नाम ये है, इसके वालिद का नाम ये है। दुनिया में जहां मर्जी जाओगे आपने वही दिखाना है। ऐसे ही है, वीजा भी लगेगा तो नाम ऊपर वही आएगा जो स्टेट ने आपको दिया होगा। जहां मर्जी चले जाओ स्टेट आपके पीछे आएगी, आपको बचाने आएगी। आप यूक्रेन में फंस गए हो, जंग लग गई है, कोई बात नहीं, पीआईए का स्पेशल जहाज लेने जाएगा आपको, आपको एवैक्यूएट करेगा वहां से, क्योंकि आप इस स्टेट के बच्चे हो, स्टेट आपकी मां है, तो आपको नहीं छोड़ेगी वहां। दुनिया के हर स्टेट से गए जहाज, अपने अपने बाशिंदों को उठा के ले गए, क्यों? कि वो मरने नहीं दे सकते अपने बाशिंदों को, क्योंकि उन्होंने कसम खा रखी है स्टेट ने कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, ये दुनिया में जहां मर्जी जाए, इसकी शनाख्त भी मैंने दी है, इसको बचाऊंगी भी मैं ही, ठीक है। तो आप चाहे अमेरिकन सिटीजन हो जाएं बाद में, लेकिन आपके ऊपर एट अ टाइम दो सिक्योरिटीज एग्जिस्ट करेंगी, एक अमेरिका की और एक पाकिस्तान की, ठीक है। आप भाग के पाकिस्तान आ जाते हो, पाकिस्तान संभालेगा आपको, आपके ऊपर दो कानून भी फिर इंप्लीमेंट होते हैं, पाकिस्तान का भी अमेरिका का भी, ठीक हो गया। ऑल्दो आप प्रेजेंट तो वहां पे हो, आपका जो मेजर पाला तो उन्हीं के कानून से पढ़ना है, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई गुनाह हो जाता है आपकी वजह से, आप वहां से बैठ के करवाते हो, तो मत सोचो कि आप ये कल को ये मांग सकते हो कि मैं तो अमेरिकन सिटीजन हूं। नो, आप अमेरिका के साथ पाकिस्तानी सिटीजन भी हैं, इसलिए अगर आप पाकिस्तान आए आपको जेल में दे, ठीक है जी। सो रियासत मां है, कौम मुल्क सल्तनत, कौम होते हैं बशिंदे, ठीक कहा आपने, सारे वैसे ठीक कहे। कौम क्या होते हैं? बशिंदे, हम लोग। मुल्क होता है वतन, पाकिस्तान, ठीक है। और सल्तनत होती है हुक्मरानी, हकूमत। ये तीन चीजें मिलके हमें यहाँ पे जिंदा रखे हुए हैं, ठीक है। हमें बाहर कोई बंदा नहीं छेड़ता क्योंकि मेरे राइट्स आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान ने महफूज कर दिए हैं, जिसमें 8 नंबर क्या है, डिग्निटी ऑफ माई बॉडी, डिग्निटी ऑफ माई सेल्फ, ऑल ऑफ योर्स,
सबकी, जितने भी पाकिस्तान के बशिंदे हैं, और नौ के अंदर क्या है, अनफेयरली आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, सर्च एंड सीजर नहीं किया जाएगा आपके घर का। चादर चार दीवारी सुनते हैं ना जी, लफ्ज सुनते रहते हैं आप लोग, चादर चार दीवारी। कभी सोचा है कि क्यों पुलिस वाले नहीं अंदर आ सकते? आर्टिकल 9 के अंदर लिखा है नहीं आ सकते, क्योंकि प्राइवेसी, ठीक है, ये राइट है हर इंसान का, सो इसलिए नहीं आ सकते। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, दुनिया का हर कॉन्स्टिट्यूशन अपने बाशिंदों को प्रोटेक्ट करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये तमाम चीजें हमने आगे जाकर डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना, गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, स्टेट कैसे वर्क करेगी, स्टेट का और बाशिंदे का आपस में ताल्लुक, स्टेट के इंस्टीट्यूशन का, स्टेट के इंस्टीट्यूशन का आपस में रिलेशन, स्टेट के यूनिट्स का, प्रोविंसेस का, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रिलेशन, प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन का लोगों के साथ, लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ये सब कुछ आपने पढ़ना है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि काम कैसे करते हैं लोग। आप लोगों ने देखा होगा ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज्यादा वेल लिटरेट और वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, उनकी बड़ी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होती है, देखा होगा अक्सर। क्यों होती है? उन सब चीजों का उनको पता होता है। यही तो वो चीजें हैं जो आपको एक अच्छा एस्पायरेंट बनाएंगी, ऐसा एस्पायरेंट जिसकी बुनियाद खोखली नहीं होगी, जिसकी बुनियाद खोखली कम से कम नहीं होगी। ये हो सकता है आपने एक चीज नहीं पढ़ी, इंसान हर चीज तो नहीं पढ़ के जा सकता एग्जाम में, लेकिन जहां से मर्जी होके आओ यार, जवाब मिलेगा आपको। क्यों? कि मैंने क्रक्स पढ़ लिया है, क्रक्स का मुझे पता है कि स्टेट कैसे वर्क करती है, अगर स्टेट्स आपस में कैसे उनका रिलेशन है और आपस में कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, अगर रिसोर्सेज और पावर लिमिटेड हैं, तो इट मींस कि सोसाइटी के अंदर लोग आपस में एक दूसरे के साथ टैक्टिक्स आजमाएंगे ना जी। हर किसी को पावर चाहिए, हर किसी को रिसोर्सेज चाहिए, और स्टेट्स भी तो फिर आपस में करेंगी, ऐसे ही है ना जी। अमेरिका चाइना के साथ करेगा, चाइना इंडिया के साथ करेगा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ करेगा, पाकिस्तान इंडिया के साथ करेगा, पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही है, रशिया पूरे यूरोप का दुश्मन है, लेकिन पूरे यूरोप की घर में जो गैस जलती है वो रशिया की है। समझ आ रही है आपको बात? क्यों यार, दुश्मन हो ठीक है, कोई बात नहीं, जब जंग होगी लड़ लेंगे, अभी तो आपके पास एक चीज है, हमें बेचो। अब रशिया ने जब जंग स्टार्ट हुई तो रशिया ने गैस बंद नहीं की, जब इन्होंने सैंक्शन से लगाई है वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर, ये बात समझ आ रही है? यूक्रेन रशिया दो कंट्रीज हैं, ठीक है, यूरोप की, इनकी अभी जंग चल रही है, ठीक है। तो यूरोप के बाकी कंट्रीज को रशिया दे रहा था गैस की सप्लाई, तो रशिया ने क्या किया, गैस बंद कर दी उन ममालिक की जो उसको रूबल्स में, उसकी अपनी करेंसी में पे नहीं करते। ये अपनी करेंसी वाला सीन क्या, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने जब बंद किया तो पूरे यूरोप के अंदर इस टाइम दुनिया का हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। अभी आईफोन 14 लॉन्च हुआ, इसकी तो समझ आ रही होगी आप लोगों को, इसकी भी नहीं आ रही, आ गई है इसकी। 14 लॉन्च हुआ तो आपको पता है इस बात का कि आईफोन 13 की जो इनिशियल प्राइस थी उससे कम है इसकी, इससे कम रखी। क्यों रखी? क्योंकि बाइंग पावर नहीं रही दुनिया पूरी की, उस जंग की वजह से पूरी दुनिया में इस टाइम महंगाई का तूफान आया हुआ है। हमारे मुल्क में तो खैर, हम तो अपने मुल्क के बारे में ज्यादा जानते हैं, पूरी दुनिया में इस टाइम तूफान आया हुआ है, तो लोग बाय नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि देखो, एक बंदा जिसके पास 13 है उसने 14 पे आना है, जिसने 14 पे आना है, तो हमने चेंज भी कुछ नहीं किया सिवाय कैमरे के रिंग ब्लैक करने के, ठीक है, हमने चेंज भी कुछ नहीं किया, तो लोग क्यों बाय करेंगे भाई? चले इनको लालच देते हैं कि 13 जो है वो बेचो, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो क्यों महंगा हो गया, क्यों सस्ता करना पड़ा आईफोन को? क्योंकि लोगों की बाइंग पावर नहीं है। क्यों नहीं है? उस जंग की वजह से, उस जंग की वजह से। तो मैं वापस आता हूं, जो मैं बात बताने लगा था, रशिया ने गैस बंद कर दी यूरोप की। अब यूरोप का अमेरिका अलाई है, दोस्त है इस जंग में रशिया के खिलाफ, वो भी इनका दोस्त है, हेल्प कर रहा है उनकी। अब अमेरिका ने क्या कहा
उन ममालक को, दुनिया के दीगर वो ममालक जिन जिन के पास गैस है, कि आप लोगों ने प्रायोरिटी के ऊपर यूरोप को गैस देनी है क्योंकि रशिया ने बंद कर दिया है, आपने प्रायोरिटी पे यूरोप को गैस देनी है ताकि यूरोप के चूल्हे जलते रहे। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग हुई पिछले दिनों, याद है आपको, एक दो महीने पहले की लोड शेडिंग थी। पाकिस्तान के अंदर बिजली बहुत महंगी हो रही है, आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, उस जंग का। अब समझ आई है कैसे चीजें इंटरलिंक्ड है, समझाऊं आपको ये? जब हम कतर से गैस लेते हैं, हमारी अपनी गैस खत्म होने के नजदीक है, हमने माशाल्लाह माशाल्लाह से दुनिया के अंदर ऐसे वाहिद, मैं कहता हूँ हम, हमारी जैसी दुनिया पे कोई कौम ही नहीं है, इतने हम प्रोग्रेसिव है, इतने हम प्रोग्रेसिव है। छठ गल दे प्रोग्रेसिव सोच बताता हूँ कैसे। 1952 के अंदर सुई के मकाम में पाकिस्तान की गैस डिस्कवर होती है और पाकिस्तान अगला 100 साल वो गैस जला सकता था। आबादी की रेशो को अगर जेहन में रखें तो हमने क्या किया, मुशर्रफ दौर के अंदर सोचा कि देखें क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये जो फ्यूल पे चलने वाली दूसरी पेट्रोल पे चलने वाली डीजल पे चलने वाली गाड़ी ये बहुत ज्यादा स्मोक छोड़ती हैं, व्हाई नॉट हम सीएनजी पे गाड़ी को शिफ्ट कर दें। तो सीएनजी माफिया ने लगा लगा के सीएनजी दड़ा दड़, मतलब इतने पाकिस्तान के अंदर सलोन नहीं होंगे क्योंकि लाहौर के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया सबसे ज्यादा दुकानें सलोन की हैं, ठीक है, इतने सलोन नहीं थे जितने सीएनजी थे। हर बंदा डिफरेंट अपने बच्चों के, अपने दादे के, अपने पड़पोते के नाम से सीएनजी बना रहा है, ये नहीं सोच रहा वो जो गैस है वो अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, वो खत्म हो जाएगा, आप लोग उसका मिसयूज करोगे। तो हमने वो खत्म कर लिया, फिर हमें क्या मजबूरी बन गई, गैस तो अब घरों में जलानी है तो हम अब कतर से बाय कर रहे हैं, ठीक है, कतर से, यूएई से, इन कंट्री से हम बाय कर रहे हैं। अब होता क्या है, वो जो गैस होती है उसको कंडेंस किया जाता है, कंडेंस करने से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो वो करीब आ जाते हैं, सारे साइंस के मेरे से ज्यादा आप लोगों को पता होगा, तो वो एक लिक्विड फॉर्म में सेमी लिक्विड टाइप शेप ले लेते हैं। उनको फिर क्या किया जाता है, एक बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स होते हैं जो लिक्विड प्रूफ होते हैं गोल गोल, उनके अंदर फिल किया जाता है उस वाटर टाइप, आपको सिलेंडर नहीं एलपीजी के होते, उसमें अगर गौर से देखें तो उसको भी हिलती है गैस, ठीक है, प्रोपेन और मीथेन में इस तरह का मिक्सचर सा होता है उसका, तो उसको फिर उसके अंदर फिर उसको लोड किया जाता है शिप्स के ऊपर, फिर पाकिस्तान लेके आ जाता है, यहाँ पे स्पेशल टर्मिनल लगाए जाते हैं एलएनजी के, वो अक्सर जो मीडिया पे भी सुनते हैं एलएनजी टर्मिनल सुना होगा आपने, वो टर्मिनल लगते हैं जहां पे उसको ऑफलोड किया जाता है, करने के बाद उसको दोबारा गैस बनाया जाता है, फिर पाइपलाइन में डाला जाता है और फिर वो जो सीएनजी वाली मुसीबत है उससे जान छूटती है। तो हमने वो लानत की हुई है उसकी, तब जाके मसला हल होता है, वो ना करते तो अपने गैस फील्ड से गैस आती रहती। समझ आ रही है चीजों की, मैं आपको इस तरह की बहुत सी चीजें बताऊंगा दुनिया की और पाकिस्तान की। तो वो जो गैस हमें कतर से आ रही थी, अब वो कतर प्रायोरिटी पे गैस दे रहा है किसको, यूरोप को, क्योंकि अमेरिका ने डंडा है पीछे भाई, तो हमें कोई गैस दे के राजी नहीं है, हम पैसे लेके मार्केट में गैस दे दो, कहते नहीं देनी भाई, नहीं देनी, क्यों नहीं देनी, हमने यूरोप को देनी है। एक सिर्फ बिडर माना, लास्ट हमने जो बिडिंग करवाई है सिर्फ एक बिडर, और उसने रेट रख दिया है ऐसा कि सोने के भाव मिल रही है गैस, पाकिस्तान ने कहा जी नहीं लेनी, इस लकड़ियां बाल लाएंगे, ठीक है। तो ये बात है, मैं आप सिंह से, आपको पंजाबी समझ आ जाती है, मैं हल्की फुल्की बोल, पंजाबी हैं आप, ठीक हो गया, मैं मेरे सिंह के स्टूडेंट अक्सर होते हैं, मैं पूछ लेता हूँ, मैं क्योंकि अक्सर पंजाबी में डिश मार जाता हूँ, तो खैर, तो क्या हुआ, हमें गैस नहीं मिल रही, हमें गैस नहीं मिल रही तो क्या होगा, हमारे जो पावर प्लांट्स हैं आईपीपीज, वहां पे हम गैस बर्न करते हैं, गैस नहीं मिलती तो हम फ्यूल बर्न करते हैं, ठीक है, वहां पे गैस बर्न नहीं थे, वो बंद हो गए, वो बंद पड़े रहे, लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब सारी समझ आई है, यूक्रेन की जंग चल के हमारे घर कैसे आई है, ठीक है, चल के आ गई ना हमारे घर तक, हमारे बेडरूम तक आ गई ना वो जंग, वो आती है, इसलिए स्टेट के साथ बाशिंदा जुड़ा है,
स्टेट्स के साथ स्टेट्स जुड़ी हैं, आप लोग दुनिया में आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। जब आप लोग आइसोलेशन में एग्जिस्ट आप नहीं कर रहे तो दुनिया का कोई नॉलेज भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो सीएसएस का भी कोई सब्जेक्ट आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो वो कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन तमाम टॉपिक्स को, इन तमाम सब्जेक्ट्स को लिंक करते हैं या हर जगह पाए जाते हैं, वो ये हैं। ठीक हो गया, चलें अब शुरू करते हैं। पॉलिटिक्स, वी डिसएग्री अबाउट हाउ वी शुड लिव, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये पीछे तो तार ली जाती है। माजी साहब को बताओ कहना, बल्कि चल गया। ओके, वी डिसएग्री अबाउट हाउ वी शुड लिव, हमें कैसे रहना चाहिए आपस में। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक स्टेट के अंदर रहते हैं, और उस दुनिया में सबसे ऊपर जाएं तो हम एक वर्ल्ड के अंदर रहते हैं जो कि अब ग्लोबल विलेज भी है। ये नहीं पिंड बन गया, मकसद ये है कि आपस में हम वेल कनेक्टेड है, इसलिए ग्लोबल विलेज है। विलेज क्यों वर्ड यूज किया, ग्लोबल सिटी का वर्ड यूज क्यों नहीं किया, आप लोग बता सकते हैं ये बात मुझे। कॉमन सेंस यूज करें, नहीं वो भी ठीक है, ठीक है, करीब करीब है। और भी कोई बंदा कॉमन सेंस यूज करे कि एक ही बंदे के पास है, आप लोगों में से कोई और बोल के। मैडम आप खवातीन ही बोलती, कम्युनिकेशन आसान है, हाँ ठीक है। इसके अलावा कोई, ठीक है, आप में से कोई बंदा जाता है जाके मैनेजमेंट को बुलाएं, ये ना लगा दें इसका ना, नजर नहीं आ रहा था मैनेजर किया। एक्चुअली विलेज का वर्ड इसलिए यूज किया है कि गांव में घर घर की बात घर घर होती है, ठीक है, हर किसी को, हर इंसान का सारा पता होता है, कौन कितने पानी में है, कौन से घर में क्या फसाद चल रहा है, ठीक है, कौन सा बंदा करीबल मर्ग है और कौन से घर में जदाद के रोड़े पड़े हुए हैं, हर बात हर बंदे को पता होता है गांव में, ठीक है। ये थोड़ा सा ना इधर भी कर देना, इस राइट साइड पे, ठीक है, इसे सेट कर, पता होता है ना जी, गांव में पता होता है लोगों को एक दूसरे का। सिंपली आप किसी गाँव का बंदा, पाकिस्तान के किसी भी गाँव का बंदा, आपने, मैं आपको यकीनी तौर पर बता रहा हूँ, किसी भी गांव का है, लोग किसी बंदे के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो उसके गांव में या उसके साथ वाले गांव में या उसके साथ वाले गांव में किसी बंदे से पूछते हैं, फलां बंदे को जान, तो वो उसका पूरा चजरा नसर बता देते हैं, ठीक है, हाँ ओदा पुत्र है, गोदा पुत्र है, वो है, समझ गए। तो रीज़न क्या है, गाँव के लोग दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते होते हैं, दूसरे के बहुत ज़्यादा जानते हैं। शहर में तो लोगों को कंसर्न ही नहीं है ना एक दूसरे से, वहां बहुत कंसर्न है, वो कंसर्न ही एक दूसरे से है बस, इसीलिए तो तरक्की नहीं करते, कुछ और नहीं करते, एक दूसरे के तौर में रहते हैं, ठीक है, कुछ और नहीं करना, ठीक है, और इस टेंशन में रहते हैं तो फलाने का मुंडा अफसर ना किधर लग जाए, ठीक है। अगर किसी की बेटी पढ़ने चली गई है तो इस टेंशन में कि उसकी बेटी कहीं पढ़ ना जाए, बातें बनाना शुरू कर देना, मतलब एक दूसरे की, ये नेगेटिव बातें हैं लेकिन पॉजिटिव तो करना शुरू हो तो दायरा को खत्म ही होती, ठीक है। खैर इसलिए इसको ग्लोबल विलेज का नाम दिया गया, लोग एक दूसरे के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, और बहुत छोटी जगह होती है इसलिए लोग जानते हैं, तो दुनिया भी अब एक छोटी जगह बन गई है कम्युनिकेशन की वजह से, और कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसकी वजह से, और हमारी ट्रैवलिंग की वजह से पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ गया, ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन भी इसी को ही कहते हैं, ये आइजेशन, जेशन, इजम्स, ये बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं अभी इस जो है ना, जो इजम्स बहुत ज़्यादा स्पेशली, वो लास्ट क्लास मेरी जो थी तो मैंने को 8-9 जब इजम करा दिए तो बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, क्या मजीद इजम नहीं पढ़ सकते हम, ठीक है। सो हम लोग माशरे में रहते हैं तो हम हर बात पे एग्री तो नहीं करते एक दूसरे के साथ,
इंसानियत का यही तो हुस्न है कि लोग एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते। लोग एग्री अगर कर जाएं तो इंसान ने तरक्की नहीं करनी थी। हम डिस एग्री करते हैं इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। इंसान के अंदर कंटेंटमेंट नहीं है। अगर इंसान कंटेंटेड होता तो इंसान कभी तरक्की ना करता। इंसान आज भी गधों की सवारी कर रहा होता, लंबोर्गिनी फरारी इनके हक में, इनके हिस्से में ना आती, आज हवाओं में ना उड़ रहा होता, आज खूबसूरत बिल्डिंग में और खूबसूरत रोड्स पे ट्रैवल ना कर रहा होता, आज मार्स पे ना जा रहा होता, ठीक है, मिशंस भेज रहा है। इंसान खुश नहीं रह सकता। यही सिविलाइजेशन की तरक्की का सबसे बड़ा राज है कि इंसान नहीं खुश रह सकता किसी हालत में भी। सो जैसे इंसान खुश नहीं रह सकता, इसी तरह दो इंसान आपस में एग्री भी नहीं कर सकते। ठीक है, ओके ओके, ये ज्यादा अच्छा था मेरे लिए, ज्यादा अच्छा है ऐसे बड़ा। ठीक है, ओके, आप लोग हैंड आउट से देखते रहिएगा। ठीक है, तो हम चूंकि डिसएग्री करते हैं दूसरे से, तो हमें एग्रीमेंट करना पड़ता है किसी लेवल पे जाके एक दूसरे के साथ, किसी ना किसी लेवल पे जाके एग्रीमेंट करना पड़ता। उसके लिए हमें नेगोशिएट करना पड़ता है। जरूरी नहीं है नेगोशिएशन से हो, छितर से भी हो सकता है, एग्री करवाया जा सकता है किसी को। अब अमेरिका ने एग्री करवा लिया ना जी कतर को कि आपने गैस नहीं देनी, क्योंकि उसके पास छितर है। ठीक है, हम पैसे भी लेके गए हैं, वो एग्री नहीं हो रहा। गॉट इट। बात ये है कि एग्री करना है किसी को काम करने के लिए, उसके लिए आप कोई भी टैक्टिक यूज कर सको वो कर लो। तो इंसानी माशरे का और इंसानों के जो कम्युनिटीज हैं उनका आपस में रिलेशन का सबसे बड़ा हुस्न ये है कि लोग आपस में एग्री नहीं करते हर बात, बड़ी डिसएग्री करते हैं। वोल्टेयर एक राइटर था, बहुत अच्छा फिलोसोफर भी था। उसने रूसो को कहा, जो कि फ्रेंच एक फिलोसोफर था, इनलाइटनमेंट एज के दौरान, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। सीएसएस में ऐसे आया था 2020। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। अब मुझे बताएं, जिस बंदे को पता ही नहीं है क्या कह रहे हैं, उस बंदे ने कहां फ्रीडम एक्सप्रेशन रटे आने। ठीक है, वो उन्हें रटे लाए ने पूरे, उन्हें पता कि फ्रीडम एक्सप्रेशन, लेकिन उतनी नहीं समझ आई की कह रहे हैं। सो ये समझ तभी आएगी कि जब आप लोगों की भेस खोखली नहीं होगी, जब आपको पता होगा कि डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। और वोल्टेयर किस चीज के बारे में बात कर रहा था, रूसो किस चीज के बारे में बात कर रहा था, बेसिकली ये दोनों फिलासफर थे, एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे। तो किसी बात पे इनका डिसएग्रीमेंट था, तो रूसो ने लिखा, वोल्टेयर ने डिसएग्री किया, वोल्टेयर ने उसको वापस खत लिखा, तो उस खत के एंड पूरी तनकीद करके ना उसके आइडियाज को एंड पे उसने ये लिख दिया, क्योंकि अगरचे मैं तुम्हारे आइडियाज के साथ इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे इस हक का दिफा जरूर करूंगा कि तुम ये कह सकते हो, तुम ये कह सकते हो, बेशक मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन तुम कह सकते हो। सो ये जो बात है डिसएग्री करने वाली, इसको समझने के लिए हमें पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। यही तो समझना समझाना पॉलिटिक्स है, यही तो है पॉलिटिक्स। आगे देखें आपके नोट्स के ऊपर, हु शुड गेट व्हाट, ये बहुत ही कंसाइज बात है, लेकिन सब कुछ इसके अंदर ही है पॉलिटिक्स का। हु, इसके अंदर एक साथ और चीज लगा लें, हाउ, हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, किसको क्या मिलता है और कैसे मिलता है, ये पॉलिटिक्स है। मैंने क्या कहा था, रिसोर्सेज और पावर लिमिटेड है, लेने के लिए तमाशे तो करने पड़ेंगे आपको, ऐसे तो कोई नहीं देता। कुर्सी ऐसे ली जाती है, खान साहब से कैसे कुर्सी लिया इन्होंने, अभी तक वो चैन से नहीं बैठे। ठीक है, यकीन जाने जब इनसे ली जानी है, जब ली गई थी 18 में, ये भी तो 3 साल ऐसे ही खुदक रहे थे, ये भी आराम से नहीं बैठे, नहीं बैठेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज और पावर लिमिटेड है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो वो क्या होता है, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स, वो क्या होती है पॉलिटिक्स, उसमें डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं, डिफरेंट मीन्स होते हैं, डिफरेंट आप सोर्सेज यूज करते हो,
जैसे मैंने कहा कि चित्र भी यूज कर सकते हो, पैसा भी यूज कर सकते हो, सॉफ्ट पावर भी हार्ड पावर भी। ठीक है, अजान हो मेरा दिल इसके बाद। वैसे मैं तो इस बात का मानने वाला हूँ कि अगर नमाज ना पढ़नी हो ना तो फिर ये ड्रामेबाजियाँ नहीं करनी चाहिए थी, अजान हो ले। ठीक है, क्योंकि जिसने जानबूझ के एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, यही हदीस है, सही हदीस है, मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी है, सुनन नसाई में भी है। ठीक है, मेरा पूरा नाम हाफिज अली आता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ों की मुझे समझ आए। सो आप लोगों ने मुझे टाइम बताते जाना, मेरी क्लास अक्सर 4 घंटे तक पीछे चली जाती है, मुझे नहीं पता चलता। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ब्रेक भी नहीं लेता, आप लोगों को देता हूँ, खुद नहीं लेता, इसलिए यार क्लास के बाद मेरा गला खराब हो जाए। शेख समझ आ रही है, मज़ा भी आ रहा है, अभी बड़ा कुछ है आगे, ये उम्र यार की जंबील है, इसके अंदर बहुत कुछ है। मेरे ख्याल से पार्टिसिपेंट भी नमाज पढ़ने चले गए। अच्छा जी, आप लोगों के पास सामने पड़ा है, ठीक है, तो ये बात देखें तो आपको पता चलेगा हाउ शुड पावर एंड अदर रिसोर्सेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यही बात तब से मैं कर रहा हूँ ना जी, ये भी पॉलिटिक्स में आएगा। शुड सोसाइटी बी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट, यही बात मैंने आपको बताई है आगे कि हम डिसएग्री करते हैं, जब हम डिसएग्री करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस डेवलप हो जाते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम कौन से मीम्स यूज करते हैं, इट्स अप टू अस। पैसा यूज करते हैं, जबान का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, चित्र का इस्तेमाल करते हैं, इट्स अप टू अस। सो जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं या हम करेंगे वो पॉलिटिक्स होगा, वो मीन्स जो हम यूज करने जा रहे हैं, जो टैक्टिक्स, जो मनोवरिंग हम करेंगे, वो सारी पॉलिटिक्स है। मुनाफ़कत को इंग्लिश के सॉफ्ट वर्ड में डिप्लोमेसी कहते हैं, ठीक है, डिप्लोमेसी। और ये दुनिया का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, दुनिया का सबसे झूठा लॉ जो है वो इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, जो पूरी दुनिया को चला रहा है और चला वो किसी को भी नहीं रहा, ठीक है, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ इज फॉर द पावरफुल बाय द पावरफुल। एंड आगे क्या है किसी को पता है? ये बेसिकली इब्राहिम लिंकन की जो है ना वो कोटेशन, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सीएसएस के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, कोई भी टॉपिक आ जाए इसके अंदर ये जरूर डालते हैं। वो इतनी घिसपिट चुकी है कि ये जो चैकर है ना वो जब देखता है कहता है ओहो सेम ओल्ड थिंग्स, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग अच्छी तैयारी इंशाल्लाह करके जाएंगे आप, ठीक है, आगे चलें। वी ऑल्सो डिसएग्री अबाउट हाउ सच मैटर्स शुड बी रिजॉल्व्ड, हमें इस बात पे भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है कि हमने मसाइल हल कैसे करने हैं। ऐसे ही है ना जी, हिटलर ने हमला कर दिया पोलैंड के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज का एग्रीमेंट था इस बात पे कि जो ही पोलैंड पे हमला होगा हम जर्मनी के अगेंस्ट
वॉर डिक्लेयर कर देंगे। हिटलर को पता था इस बात का, जब मैंने पोलैंड पे हमला करना है, उन्होंने मेरे खिलाफ ऐलाने जंग कर देना है, तबले जंग बजा देना है, लेकिन उसने हमला किया। अब ये सिरियां जोड़ के बैठ गए, यूरोप सारा और अमेरिका बैठ गए कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हिटलर तो एक एक दिन में एक एक मुल्क फतह कर रहा था ना। बेल्जियम एक दिन में फतह किया है, फ्रांस बड़ा मुल्क बना फिरता है ना, 6 दिन के अंदर फतह कर लिया था उसने, पेरिस को एक दिन में फतह किया उसने। वो तो पागल थे, आइस खाई होती थी पूरी आर्मी ने उसकी, ठीक है, वो तो सोते ही नहीं थे। यकीन जाने मैं आप वर्ल्ड वॉर टू इन कलर्स देखो, आप लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर, पता चल जाएगा आपको, क्रिस्टल मैथ खाते थे वो, ये वहीं से तो दुनिया को मिली है ये नेमत जो आजकल हमारी सारी यूथ ले रही है, ठीक है। तो क्यों देता था वो? मिलिट्री टैक्टिक्स के अंदर टाइमिंग्स होती हैं जो मिलिट्री वाले सेट कर लेते हैं, तो एक मिलिट्री को फॉर्मेशन में मूव करने के लिए इतना टाइम चाहिए। तो फ्रांस के ऊपर जब उसने हमला किया तो बेल्जियम से वो जा रहा था, तो फ्रेंच जनरल्स ने एस्टिमेशन जो है ना बैठ के लिखी कि हिटलर की आर्मी को हमारे बॉर्डर्स तक आने के लिए 3 दिन चाहिए, सिर्फ बॉर्डर्स तक आने के लिए 3 दिन चाहिए। हुआ क्या? 12 घंटे पहला बंदा खड़ा था जाके वहां, और पीछे फौज ही फौज थी उनकी, इतनी आर्मी थी कि वहां ट्रैफिक जैम हो गई, गाड़ियों की, टैंक्स की, बख्तरबंद की, ठीक है, आर्टिलरी की, ट्रैफिक जैम हो गई बॉर्डर पे, जगह कम थी, आर्मी ज्यादा पहुंच गई। क्यों? वो सोते नहीं थे, खाते कुछ नहीं, निशाई थे ना सारे, ठीक है। निशाइयों को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, हर वक्त अपनी दुनिया में रहते हैं। उनको एक चीज पे फोकस करा दो, इवन सीएसएस की तैयारी पे फोकस करा दो, ऐसा कमाल की तैयारी करके दिखाएं आपको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो तैयारी कर लेंगे उसके बाद किसी काम के नहीं रह जाएंगे, ठीक है। सो ये सर जोड़ के बैठ गए, अब क्या करें? कुछ कहें कि अटैक करना चाहिए जर्मनी पे, कुछ कहें नहीं करना चाहिए, कन्फ्लिक्ट आ गया ना जी। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने फिर अटैक किया। सो हाउ शुड कलेक्टिव डिसीजंस बी मेड? अब ऑब्वियसली जब उन्होंने डिसीजन किया तो कलेक्टिव डिसीजन ही था ना, तो प्रॉब्लम ही तो यही चल रहा था कि जो भी डिसीजन होगा कलेक्टिव होगा, सब मिल के लड़ेंगे इसके खिलाफ। तो हमने कोई भी सोसाइटी के अंदर मसला हल करना है तो हमें कलेक्टिविज्म की तरफ जाना पड़ता है। ईवीएम्स खान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, प्रॉब्लम क्या था? खान साहब के अलावा तमाम पोलिटिकल पार्टीज इतराज कर रही थी, वो कलेक्टिव अप्रोच नहीं थी, वो कलेक्टिव अप्रोच नहीं थी। कल को अगर वो कोर्ट में भी जाती तो रद्द हो जानी थी, क्योंकि स्टेट सोसाइटीज और वर्ल्ड कलेक्टिविज्म पे चल रही है। आप जोर जबरदस्ती ये काम नहीं कर सकते, 4 दिन करोगे, 5 दिन करोगे। नैब ने किया ना, नैब ने किया, नैब ने लोगों को बंद किया, सब कुछ किया। आज ये गवर्नमेंट आई, इसने आगे सत्यानाश कर दिया, उनका पावर्स ही खत्म कर दी। यकीन जाने आज अगर खान साहब की गवर्नमेंट आ जाए वो भी इनकी पावर्स बहाल नहीं करेंगे। वो जो कोर्ट में गए हुए हैं सिर्फ पॉलिटिकल टैक्टिक है, वो भी नहीं बहाल करेंगे। वो भी ये चाहते थे इन पावर्स को कोई और आगे खत्म करे, मेरे खाते में ना पड़े, चाहते वो भी नहीं थे नैब्स की पावर्स। सो होता क्या है कि जब आप इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाते हो, आप जब सोलो फ्लाइट लेते हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है, सोसाइटी आपको नहीं चलने देती, ठीक है। यहाँ पे कोई लड़का ड्रैग क्वीन बन जाए पाकिस्तान के अंदर, लड़कियों वाले कपड़े पहन ले, ठीक है, सोसाइटी चलने देगी उसको? नहीं चलने देगी भाई। क्यों नहीं चलने देगी? वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी इस चीज को, एक्सेप्ट नहीं करेगी। सोलो फ्लाग नहीं ले सकते आप। अमेरिका में अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं हुई, तो उससे कीड़ियां होनी है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। हु शुड हैव अ से? कौन बंदा डिसीजन मेकिंग के अंदर, मामलात के अंदर से रखता है? से का मतलब ये है कि उसकी बात सुनी जाए, समझी जाए, मानी जाए, ठीक है। कौन होगा वो बंदा? स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास कोई पावर्स नहीं है, होम्योपैथिक है, ऐसे ही है ना जी। तो
तो ये हमने डिसाइड कर दिया ना कि प्रेसिडेंट का कोई से नहीं होगा, हमने डिसाइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, इसके अंदर प्रेसिडेंट के पास अख्तियारात नहीं होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट मिस यूज करता है और पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। फारूक लगारी बेनजीर का प्रेसिडेंट था, बेनजीर की गवर्नमेंट थी, उसने खुद लगाया था, चाचा कहती थी इसको, फारूक लगारी के बेनजीर के साथ इख्तलाफात हुए, उड़ा के उसकी गवर्नमेंट परे मारी। ठीक है, तो कभी कभी जब पावर आती है तो चाचा था नहीं वैसे उसका चाचा, वैसे उसको चाचा कहती थी रिस्पेक्ट से। वहां और चचे और भतीजी के भी आपस में अख्तलाफात और बाप बेटे के भी हो सकते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने अपने बाप शाहजहां की आंखें निकाल दी थी, जिसने ताजमहल को बनाया था। हुआ या क्या था, मैं कहा आपको मैं ऐसी बातें बड़ी बताया करूंगा, सॉरी, हुआ ये था कि औरंगजेब आलमगीर जो है उनका बाप शाहजहां बीमार हो गया, तो रूल ऑफ प्राइमोजेनिटर रूल क्या होता है कि सबसे बड़ा बेटा जो होता है वही इनहेरिट करेगा पावर को और प्रॉपर्टी को, जैसे अभी चार्ल्स बना है उनका बादशाह, क्योंकि वो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था चार्ल्स थ्री जो है, सबसे बड़ा था और लड़का था, उसको ही मिलनी थी। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड है उनकी मोनार्की में, हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, पता ही नहीं था किसने बनना है। तो हर बादशाह को अपने सारे भाइयों को मारना पड़ता था किंग बनने के लिए, सारे भाइयों को मारना पड़ता था। सो औरंगजेब आलमगीर का बाप शाहजहां बीमार हो जाता है, वो इतना बीमार हो जाता है कि हकीम कहते हैं कि इन्हें मर जाने, नहीं बचना ना लौर लाया जी। ठीक है, ये बच नहीं सकता। सो हुआ क्या कि भाइयों में इख्तदार की जंग छिड़ गई कि कौन थ्रोन के ऊपर बैठेगा, जंग छिड़ गई। औरंगजेब आलमगीर ने अपने सारे भाई मार दिए, सिर्फ मारा नहीं है, उनको गरम तेल के अंदर भूना था। तारीख पढ़ो तो बड़ी दर्दनाक है तारीख, ठीक है, कुछ को भूना था, कुछ को वैसे मार दिया, जो सबसे काबिल था उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उसके साथ अच्छी खासी इसकी प्रॉपर जंग हुई थी। खैर हुआ क्या कि जब जंग जीत गया, किंग बन गया, तो उधर से शाहजहां साहब ठीक हो गए। शाहजहां ने पता लगा मेरी तो सारी औलाद ही मुका चढ़ी है इसमें, ठीक है, तो ऑब्वियसली चूंकि किंग जिंदा है तो उसके होते हुए नया किंग तो नहीं बैठ सकता ना। अब उसका बाप था, उसको मार तो सकता, मार तो उसको भी सकता था वो, लेकिन चूंकि वो किंग था इसलिए उसने क्या किया, उसको नजरबंद कर दिया, उसने उसको नजरबंद कर दिया। तो वो कहता था कि मैं बोर होता हूं जब नजरबंद था। उसने उसको ताजमहल के सामने किले के मीनार की बैठा दी, देखता रहा कर तू ताजमहल, अपने मुमताज महल को देखता, मुमताज महल नाम था उसकी बीवी के जिसकी याद में उसने बनाया। फिर उसने डिमांड की कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, उसने आंखें निकाल ली, ठीक है, तो अभी भी हुक्मरानी करना चाहता है चंद बच्चों पर ही सही, ठीक है। सो किसका से होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये हर जगह हर तरीके डिफरेंट है, कहीं रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर है, कहीं रूल ऑफ माइट इज राइट है जो कि इधर था मुगलिया सल्तनत में, और कहीं आप डिस्कशन नेगोशिएशंस करके करते हो, ठीक है। सो ये तमाम चीजें किसमें आती हैं, पॉलिटिक्स में। अगले पेज पे आए तो डिफरेंट यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई हैं पॉलिटिक्स की। द टर्म पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस व्हिच मींस सिटी स्टेट। आगे बात है मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, ये अरिस्टोटल का है, पॉलिटिकल भी इसने कहा, इसने सोशल एनिमल भी कहा, दोनों इसने कहा है। इसके बाद इन द व्यू ऑफ हॉलर्ड लैसवेल पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, ठीक है। फॉर डेविड ईस्टन अमेरिकन बिहेवियरलिस्ट है, ये बिहेवियरलिज्म का मैडम को पता होगा जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, बिहेवियरलिज्म क्या है, बिहेवियरलिस्ट इसने क्या कहा, द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज एंड रिसोर्सेज विद इन अ सोसाइटी, ये क्या है,
ये पॉलिटिक्स है कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वैल्यूज क्या चीज है। समझ नहीं आई तो लंगी ना गल, क्यों लंगे मेरे एस्पायरेंट्स या स्टूडेंट्स को गल, नहीं लंगनी चाहिए, समझ आएगी तो आगे चलेंगे। इसका मतलब ये है, कोटा सिस्टम समझते हैं, कोटा सिस्टम समझते हैं, हर प्रोविंस का अपना कोटा है। हर साल सिंध और बलूचिस्तान की सीटें फिल नहीं हो पाती सेंसस में, क्योंकि उनके कम बच्चे होते हैं जिन्होंने पास, सिंध की तो खैर हो जाती है, रूरल सिंध की नहीं होती, अर्बन सिंध की हो जाती है। वो कम बच्चे होते हैं जो कि रिटर्न क्लियर करके आते हैं और इंटरव्यू भी पास कर जाते हैं, ठीक है। वो जो उनकी सीटें फिल नहीं होती वो वेकेंट चली जाती है, ठीक है। अब पंजाब में तो ऐसा नहीं है, पंजाब के तो बच्चे ही बेचारे काफ़ी आ जाते हैं ढीठ होके, ठीक है, वो पास भी करते हैं फिर भी एलोकेट नहीं होते, उन सीटों पे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अथॉरिटी ने एलोकेशन कर दी हुई है रिसोर्सेज की। वो अथॉरिटी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसके ऊपर क्या अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर क्या अथॉरिटी है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। समझ आ गई मेरी बात, तो वो अथॉरिटेटिव एलोकेशन हो गई ना जी, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते आप लोग। तो ये किसने एलोकेशन की, किसी अथॉरिटी ने की, ये तो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, दिस इज पॉलिटिक्स। समझ आ गई, किसको क्या मिलना है, पॉलिटिक्स। आईएमएफ से फंड लेते हो, आपको पता है कैसे मिलते हैं, ये दुनिया का एक पूल है फंड्स का, आप भी उसमें पे, आप भी उसको कंट्रीब्यूट करते हो, हम भी करते हैं। हर मुल्क को अख्तियार है, वो अपनी इकोनॉमी के साइज और अपनी कंट्रीब्यूशन के साइज के अकॉर्डिंग वहां से पैसे ड्रॉ कर सकता है, ये आपका राइट है आईएमएफ से पैसे लेना। ये नहीं है कशकोल लेके चलेंगे आप, ये उधर पड़े हैं पैसे, पूरी दुनिया लेती है उससे, क्योंकि आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हो उस फंड में। प्रॉब्लम क्या है, आईएमएफ ने डिसाइड किया हुआ है कि अर्जेंटीना को 27 बिलियन डॉलर मिलेगा और पाकिस्तान को नाक की नकीरें निकलवाने के बाद भी 6 बिलियन डॉलर नहीं दिया जाएगा। क्यों, कि उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि इसको फुलफिल करोगे तो ही मिलेंगे, इतनी साइज ऑफ इकोनॉमी होगा, इतनी कंट्रीब्यूशन का साइज होगा तो ही मिलेगा। ये अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ ना जी, हुआ ना ना जी, तो ये पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है ना जी। समझ आ रही है आपको बात की, ऊपर से तो नहीं गुजर रही। तो ये जो चीज है ये पॉलिटिक्स है, आईएमएफ आईएमएफ हमारी हेडलाइंस में चल रहा है, पूरी दुनिया में बात हो रही है आईएमएफ की, तो क्यों हो रही है, क्योंकि ये दुनिया की पॉलिटिक्स को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। और आपको मैं मिसाल देता हूँ कैसे कर रहा है, हमारे मुल्क में तनकीद सबसे ज्यादा गवर्नमेंट पे यही रिसेंट पास्ट में हो रही है ना, आईएमएफ के पास आसान शरायत सख्त शरायत ये वो चल रहा है ना जी पिछले 4 महीनों से, पूरी दुनिया पे ऐसे ही। सो ये जो है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी पॉलिटिक्स है। आगे चलें, बर्नार्ड क्रिक कहता है, पॉलिटिक्स इज अ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ रूल वेयर बाय पीपल एक्ट टुगेदर टू इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसीजर्स। लोग इकट्ठे होके इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसीजर्स के अंडर क्या करते हैं, resolve differences, ठीक है, conciliate diverse interests and values to make public policies in a pursuit of common purposes. अब एक institution, एक institutionalized system है, उसके under लोग इकट्ठे होके क्या करते हैं, decision making करते हैं, decision making करते हैं, और common जो purposes है उनके लिए और अपने interests के लिए और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ डिसीजंस करते हैं। अब उसकी एक छोटी सी मैं आपको मैनिफेस्टेशन बता देता हूँ, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है 342 मेंबर्स, अभी 27th अमेंडमेंट के बाद, उसकी 26th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हमारे मेंबर्स जो हैं वो कम हो गए, 336 हैं। ये लिख लिया करें, ऐसे फैक्ट्स कहीं नहीं मिल रहे हैं आपको, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, ये इस की इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट से भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। 336 मेंबर्स हैं, आपके राइट्स जो हैं वो 8 से 28 आर्टिकल के अंदर हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। टोटल 280 हैं आर्टिकल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, 280।
सो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसीजर क्या है जी? देखें, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 336 या 342 भी बैठे हुए हैं, मान लेते हैं 342 लोग हैं। वो जो 342 लोग हैं वो 22 करोड़ लोगों के नुमाइंदा है, यही कहा जाता है ना जी हमें। अब समझ कभी आइए कैसे नुमाइंदा है, समझ आती है आपको? हर 5 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस अनाउंस करता है, उन इलेक्शंस के अंदर मैं आप हम सब लोग वोट देते हैं, अपने हलके में से डिसाइड करते हैं मैंने किसको वोट देना है, उस बंदे को अपनी मर्जी से वोट देते हैं और हमें पता होता है ये बंदा अगले 5 साल मेरी नुमाइंदगी करेगा जाके, जो मैं चाहता हूं ये सिर्फ वही फैसले करेगा। ओके, चाहे आप उस पार्टी को वोट दे दो जो पार्टी आप समझते हो कि मेरी मर्जी के मुताबिक फैसले करेगी, उसी के कैंडिडेट को आप नहीं जानते लेकिन आप पार्टी को तो जानते हो कि पार्टी का ये मैनिफेस्टो है, लिहाजा कैंडिडेट जो भी है पार्टी मेरी मर्जी के मुताबिक फैसले करेगी, लिहाजा मैं वोट दे रहा हूं या दे रही हूं। वो लोग 4-5 लाख लोगों का नुमाइंदा होते हैं एमएलए, ठीक है, एमपीए भी तकरीबन 1.5-2 लाख बंदे का नुमाइंदा होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो पार्लियामेंट में चले जाते हैं या असेंबलीज में चले जाते हैं, वहां जाके वो कानून बनाते हैं, वहां जाके कानून बनाते हैं, हमारे घर में, हमारे स्कूलों में, हमारे माशरे में चीजें बिना असूल जाब्ते के चल सकती हैं, लेकिन स्टेट बिना कानून के नहीं चल सकती। स्टेट नहीं चल सकती भाई, कैसे नहीं चल सकती? मेरा आज रात को दिल है कि मैं मोटरवे के ऊपर 4 बजे बिछा के सोना चाहता हूं, ठीक है, मेरा दिल कर रहा है। Who cares? मेरा दिल कर रहा है क्योंकि मुझे राइट है मूवमेंट का, मुझे राइट है असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मुझे राइट है ये सब कुछ करने का, तो मैं कर सकता हूं ना जी, लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रैवल करने वाली जो ट्रैफिक है उसके अंदर भी पाकिस्तान के ही सिटीजन है, मैं उनको डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो मेरा राइट वहां खत्म हो जाता है जहां दूसरे बंदे का राइट शुरू होता है। समझ आ गई मेरी बात? तो ये चीज कौन डिसाइड करेगा कि किसका राइट कहां खत्म हो रहा है, कहां अगले की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हुई है, कौन डिसाइड करेगा? ये लॉ डिसाइड करेगा, लॉ डिसाइड करेगा ये चीज। लॉ कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं कानून, क्योंकि मेरे नुमाइंदे जाके बनाते हैं, वो 342 हमारे नुमाइंदे हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, 22 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 22 करोड़ लोग वहां उस हाल के अंदर बैठ नहीं सकते, इसलिए 342 को बैठाना था ताकि एक बंदा एक हलके से लिया जाए और पूरा पाकिस्तान रिप्रेजेंट हो रहा है वहां पे। ये लोग वहां क्या करते हैं, कवानीन बनाते हैं, एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम के अंदर रहते हुए डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं, निगोशिएट करते हैं, स्टेट का बिजनेस रन करने के लिए कोई ना कोई अपना एसओपीज तय करते हैं ना जी, यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो पॉलिटिक्स है। चलें जी आगे, नेक्स्ट, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग। मैंने बार बार बात की ना, कंप्रोमाइज, हम डिसएग्री करते हैं, वही बात है, ठीक है। एंड एंगेजिंग इन अ नॉन वायलेंट वेज टू परस्यू वन्स और अ ग्रुप्स इंटरेस्ट इन अ सोसाइटी, देयरफॉर पॉलिटिक्स इज अ सिस्टम थ्रू व्हिच पीपल मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल्स अंडर व्हिच दे लिव। मैंने रूल्स यहाँ पे क्यों लिखा है? मैंने कहा कि कोई भी चीज बिना रूल्स के चल सकती है, स्टेट नहीं चल सकती, क्योंकि स्टेट के अंदर 22 करोड़ वैश्य फिर रहे होंगे फिर, ठीक है। इंसान जब हंटर एंड गैदरर था, हंटिंग करता था और गिरे हुए फ्रूट इकट्ठे करके खाया करता था, इंसान वैश्य था उस टाइम, स्टेट ऑफ नेचर कहा है फिलोसोफर ने उसको। तो ये मैडम जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े इनको पता होगा, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, कैसे तो नहीं चल सकता, क्योंकि माइट वॉज द राइट एट दैट टाइम, अभी ऐसा तो नहीं है। चलें, आपको लगता होगा अभी भी ऐसा है, लेकिन उस लेवल पे ऐसा नहीं है कि बादशाह ने कहा गर्दन उड़ा दो
अब अगर शहबाज शरीफ कहे जी फलां बंदे की गर्दन उड़ा दो, उड़ाई जाती है? नहीं उड़ाई जाती भाई, प्रोसीजर है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाएगा। इमरान कादरी जैनब केस, जो जैनब का जो रेप केस था, उसमें मैं, मेरे पास रहा है वो, ठीक है, मैं तमाम बैरक्स का इंचार्ज, मेरा तो दिल करता था इसको कच्चा खा जाऊं, ठीक है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसीजर है, जज आता था, बैठता था जेल के अंदर, बैठता था, हेयरिंग होती थी, वो डिफेंड करता था अपने आप को, उसका लायर डिफेंड करता था, स्टेट ने लायर दिया था उसको, पूरा पाकिस्तान उसको मारना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि रियासत उसकी भी मां है, रियासत उसकी भी मां है, ये तो प्रॉब्लम है रियासत के साथ कि वो सबकी मां है, तो रियासत ने उसको लायर दिया क्योंकि कोई लायर उसका केस ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसको तो सुनना है ना जज ने, इसके बिना तो काम नहीं हो सकता, बस ठीक है इसने गुनाह दिया उड़ा दो। अब डिसअपीयरेंसेस का जो इशू है यही है ना, गुमशुदगियों का, पाकिस्तान में लापता अफराद हैं, कि आप लोगों ने ना को कोर्ट लगाई, ना को कचहरी, ना को अदालत, ना को वकील, ना दलील, ना अपील, आपने उठा के बंदा ही मार दिया, ठीक है। अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, कराची के डिफरेंट, सिंध के डिफरेंट सिटीज से 4 बॉडीज बरामद हुई हैं, जिसमें 3 MQM के थे और 1 लियारी गैंग का था, वो बंदे क्रिमिनल थे, पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर उन्हें डिस्टर्ब रखा है, सब कुछ किया है, लेकिन कोर्ट एग्जिस्ट करती है, यही तो तनकीद हो रही है, यही तो अदालतें कह रही हैं क्यों किया ऐसे, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसीजर के तहत डिसीजन मेकिंग होगी, ऐसे नहीं होगी, इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसीजर से हुआ, फांसी लगा दिया उसको मेरी आंखों के सामने, मैंने देखा, ठीक है। सो ये चीज एक प्रोसीजर से चलती है, वो प्रोसीजर लॉ के अंदर लिखा है, वो लॉस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो अक्सर पॉलिटिशियंस बार बार बात कर रहे होते हैं आईने पाकिस्तान, ये आईन के खिलाफ है, ये आईन के खिलाफ वर्जी है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, ये आईन आईन क्यों करते हैं, इस दिन समझ आ जाएगी ना तो मां सदके करोगे आईन को, आईन की वजह से हम जिंदा हैं, आईन की वजह से हम आजाद हैं, आईन की वजह से हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, आईन की वजह से कोई बंदा अपनी पावर के साथ चिपटा नहीं रह सकता, चिपका नहीं, क्या उसको कहते हैं, चिपका ही कहते हैं, चिपका नहीं रह सकता। अब खान साहब के अगेंस्ट डिसीजन आया कि आप आर्टिकल 95 के तहत आप नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराओगे, खान साहब ने कहा मैं नहीं कराऊंगा, मेरी मर्जी, मेरा स्पीकर, मेरी पार्लियामेंट, मेरी मर्जी, हुआ क्या, हुआ क्या, प्रिजन वैन आ गई खान साहब के घर के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, ठीक है, आर्मी 111 ब्रिगेड हाई अलर्ट पे थी, जजेज ने हर जगह फोन को मार दिए, क्यों, ये नहीं वजह, वजह ये है कि इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसीजर के तहत चीजें चलती हैं, यहां किंगशिप नहीं है, दुनिया पे किंगशिप, आप जहां किंगशिप है वहां पे भी चीजें अब ऐसे नहीं चलती, आपको पसंद है या नहीं पसंद, फैसला मेरिट पे हुआ है या नहीं हुआ, एक कानून पाकिस्तान के लोगों ने बनाया था उसके अकॉर्डिंग हुआ है, आपकी पसंद है ना पसंद है आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून 22 करोड़ लोगों ने बनाया हुआ है, आप 22 करोड़ लोगों को बाहर जाकर कन्विंस कर लो, बड़े बड़े जलसे करो, वो आपको कहेंगे कानून ही बदल डालो, बदल लो, लेकिन जब तक वो लोग नहीं कहेंगे आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, ये कहता है आईन, आईन के अंदर एक प्रोसीजर लिखा है हर काम का, कि प्राइम मिनिस्टर कैसे प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कैसे उसको उतारा जाएगा, कैसे कोर्ट्स बैठेंगी, कैसे जजेस को सिलेक्ट किया जाएगा, कैसे जजेस को उतारा जाएगा, कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर्स क्या होंगी, प्रोविंसेस की पावर्स क्या होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स क्या होंगी, कोटा कितना होगा, हर चीज लिखी है, इसलिए तो हम जी रहे हैं, मेरे राइट्स क्या है मुझे पता है, रिलीजन के राइट्स, शादी के राइट्स, मूवमेंट के राइट्स, असेंबली के राइट्स, पॉलिटिकल पार्टीज में हिस्सा लेने के राइट्स, ठीक है, एजुकेशन के राइट्स, कंपलसरी एजुकेशन फ्री दी गई है मुझे, राइट टू इंफॉर्मेशन है मेरा, 19A में है, आप सबका भी है, किसी भी सरकारी इदारे में चले जाओ, आप कहो कि आर्टिकल 19A के तहत मुझे फलां इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर वो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट नहीं होगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए और स्पेशल रूल्स के अंडर प्रोटेक्टेड नहीं होगा सीक्रेट एक्ट के तहत, तो आपको दिया जाएगा, नहीं तो आप कोर्ट जाओगे, मिलिट्री का बजट नहीं ना निकाल रहे थे, वो सीक्रेट एक्ट के तहत सारा बजट था भी नहीं,
उसका ऑडिट तो बता सकते थे आप ना, ऑडिट तो नहीं था अंडर सीक्रेट एक्ट प्रोटेक्टेड। तो एक सिटीजन है माशाल्लाह इस्लामाबाद की, उन्होंने कहा हमें दो, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने फिर कहा हमें दो, उन्होंने नहीं दिया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ले गए फौज को, फौज को देना पड़ा। बाद में उनके साथ क्या हुआ वो छोड़ दे बात, ठीक है। लेकिन फौज को देना पड़ा, क्यों देना पड़ा? फौज भी एब्सोल्यूट किंग नहीं है, रूल उनको भी मानने पड़ते हैं, रूल उनको भी मानने पड़ते हैं। तो यही तो वजह है कि डिक्टेटरशिप जब आती है तो पाकिस्तान के लोग जो समझदार लोग हैं उसको वेलकम नहीं करते। वाई? क्योंकि डिक्टेटर्स आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और कहते हैं आज के बाद कानून मेरा चलेगा, आज के बाद कौम मुल्क और सल्तनत मेरी है सिर्फ। और डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं है, हमारा सिस्टम ऐसे नहीं चलता, चल ही नहीं सकता सिस्टम ऐसे। तो सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता तो फिर क्या होगा, क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा। डिक्टेटर्स नहीं इंगेज करते किसी के साथ, वो बुक्ति को कहते हैं मैं आपको वहां से बम मिसाइल मारूंगा जहां से आप सोच भी नहीं सकोगे, और उन्होंने वही किया क्योंकि वो इस चीज के लिए ट्रेन ही नहीं होते ना, वो तो मारो और मार डालो इसी चीज के लिए ट्रेन होते हैं। ये तो पॉलिटिशियंस का काम है ना, पॉलिटिक्स का काम है कि लोगों को देना भी कुछ नहीं है, देना भी कुछ नहीं है। कोविड 19 में मेरी ड्यूटी थी, मैं इंचार्ज था पूरे पंजाब के अंदर, जितने भी कोरोना पॉजिटिव लोग थे उनको, उनका मैं सेल का हेड था, मैं फ्रंट लाइन पर रहा हूँ उस टाइम। 450 लोग थे जो कैदी थे, और मार्च 2020 में वो जेल में आ गए लाहौर, ठीक है। अब कैदियों के अंदर कोई बंदा भी जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो सारे पॉजिटिव थे, तो डॉक्टर्स ने उनका चेकअप करने जाना है, उनका पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करनी है कि उनकी क्या इस टाइम सैचुरेशन लेवल क्या है, उसके अलावा उनको मेडिसिन देनी है, उसके अलावा उनको खाना देना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो इसके लिए जरूरी था कि ऑफिसर साथ जाए। तो मेरी तो फोर्स का बंदे ही कोई तैयार नहीं होता था, तो लीड फ्रॉम द फ्रंट ये जो भी फोर्सेज है इसके अंदर ये एक प्रिंसिपल है कि ऑफिसर हमेशा फ्रंट पे जाकर लड़ता है, ठीक है। तो जाना पड़ता है, आप नहीं जाओगे तो वो क्यों जाएंगे, जब आप जाओगे आपके लिए जान भी दे देंगे फिर, ठीक है, आपको मरने भी नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन आपको जाना पड़ेगा। तो उस दौरान लोगों ने हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल, कि हमने खाना नहीं खाना। नॉर्मल डेज के अंदर तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं, हम ग्रैंड करके मुंह में पाइप डाल के भी दे देते थे, लेकिन वहां पे नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बीमार हैं लोग। वो यकीन जाने मैंने अपनी जिंदगी में तरले नहीं किसी के इतने किए जितने उन तीन रातों में मैंने किए हैं, क्योंकि स्टेट कहती थी कि इन लोगों को कन्विंस करो, वो हमसे कुछ डिमांड करते थे, हमने कुछ भी नहीं देना उनको, हमने कुछ भी नहीं देना, और कसम से हमने उनको मना लिया था और कुछ भी नहीं लिया था। यही करती है ना एडमिनिस्ट्रेशन, आपने भी यही कल को करना है, इसीलिए आप सीएसपी बन रहे हो। सड़क ब्लॉक हो जानी है, आपने खुलवानी है आके, ठीक है, कुछ भी नहीं लेना आपने, लेकिन उनको कन्विंस करके उठाना वहां से कि हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो कन्विंस करना है ये पॉलिटिशियन का या पढ़े लिखे लोगों का ये काम है। मिलिट्री वाले लोग अगर होते वहां पे तो वो जो 450 बंदा था उनकी लाशें निकलती उसी रात बाहर, ठीक है। तो ये किया उन्होंने। सो बात ये है कि मिलिट्री नहीं, डिक्टेटर मैं कहूंगा, तो मिलिट्री तो जो है वो डिक्टेटर कोई भी हो, जरूरी नहीं हो मिलिट्री डिक्टेटर हो, वो कोई भी डिक्टेटर हो। मिसाल के तौर पे MBS मोहम्मद बिन सुलेमान प्रिंस है इस टाइम जो है वो सऊदी अरेबिया का, क्योंकि किंग बहुत ओल्ड है, वो परफॉर्म नहीं कर सकता किंगशिप के जितनी भी ड्यूटीज हैं, तो उसने अपने क्राउन प्रिंस मोहम्मद में उसका बेटा है उसको उसने सारा चार्ज दिया हुआ। एक जमाल खुशोगजी नाम का बंदा था, पता आप लोगों को, वो सऊदी अरेबिया का सिटीजन था, अमेरिका में रहता था, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखता था, वाशिंगटन पोस्ट के लिए भी लिखता था, ज्यादा वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखता था, और वो मोनार्की जो है, मोनार्की बादशाहत किंगशिप ये एक ही चीज है, ठीक है, वो सऊदी उनके खिलाफ लिखता था। हुआ क्या कि वो तुर्की में उसकी फियांसी थी, उसके पास वो आया हुआ था और उसका
सऊदी अरेबियन पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। अब जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होता है तो आपको माँ के पास जाना पड़ता है, क्योंकि वो दिया ही माँ ने हुआ है। माँ क्या थी उसकी? सऊदी अरेबिया। गया सऊदी अरेबिया एम्बेसी में। और आपको मैं एक रूल बता दूं कि एम्बेसी और काउंसलेट्स जिस मुल्क में भी आप देखो दूसरे मुल्क है, वो उस मुल्क का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दुनिया के ममालिक के एम्बेसीज और काउंसलेट्स हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वहाँ पाकिस्तान का लॉ अप्लाई नहीं होता। अमेरिकन एम्बेसी में जाके अगर आप कोई गलती करोगे तो आपके ऊपर अमेरिका का कानून अप्लाई होगा। पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की कोई फोर्स, कोई गवर्नमेंट का अदारा अंदर नहीं जा सकता। सेम इज द केस विद पाकिस्तानी एम्बेसीज इन अदर कंट्रीज, उनके भी मिलिट्री फौज नहीं आ सकती अंदर। वो जगह ही उस मुल्क की होती है, वो टेरिटरी ही उनकी होती है। जब आप उसके अंदर एंटर होते हो उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी भी उनकी ही होती है। अगर उन्हें हायर भी किया पाकिस्तानी लोगों से तो वो कमांड उन्हीं की होती है, उसी की कमांड के अंदर काम कर रहे होते हैं। लिहाजा ये बात आपको मैं बता दूं कि वो जब सऊदी अरेबिया में गया इस्तांबुल के अंदर, उनका जो वहां पे काउंसलेट था वहां पे अपना रिन्यूअल के लिए पासपोर्ट की उसने एप्लीकेशन सबमिट करवानी थी, तो वहां पे उसको अपॉइंटमेंट दी गई फला डेट पे आ जाना। इधर से सऊदी अरेबिया की स्पेशल उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके एजेंट्स गए और उन्होंने आरएडी तेजाब का और टोकों का बंदोबस्त किया हुआ था अंदर, ठीक है। जब वो गया उसके बाद वो बाहर नहीं आया, जमीन खा गई, आसमान खा गया, किसी को नहीं पता किधर गया। उनने क्या किया उसको? उनने उसको मारा, मार के उसके छोटे छोटे पीस किए, फिर उसके बाद तेजाब में डाला। जब वो खत्म हो गया उस तेजाब को उन्होंने क्या किया? दूर कहीं डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस आज तक दुनिया को उस चीज की सफाई नहीं दे सका। दुनिया डांगे लेके उसके पीछे है कि ये तुमने क्या किया। समझ आ गई अब इस बात की? अब वो जमाने नहीं रहे कि आप अपनी मर्जी से किसी को ऐसे तजाब में फेंक दें और पता ही ना चले। अब वो वक्त नहीं रहा, वहां पे एब्सोल्यूट किंगशिप है लेकिन दुनिया आज तक हजम नहीं कर पा रही। जो बाइडन अभी रिसेंटली गया था वहां पे, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ये मसला सबसे ज्यादा उनके दरमियान चल रहा था कि आपने ये क्यों किया था। सफाई दो दुनिया को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, आपको देनी पड़ती है सफाई। तो आपको क्या समझ आई? ये जो नॉन वायलेंस है, ये जो आपको डिस्कशन करनी पड़ती है, ये पॉलिटिक्स के अंदर है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेट? अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है स्टेट का? सो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेट? व्हाट आर इट्स की कंपोनेंट्स? डिफरेंस बिटवीन स्टेट, गवर्नमेंट एंड नेशन, कौम, मुल्क, सल्तनत, ठीक है। ये इसकी इंग्लिश है जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट इन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। अब ये टर्म आ गई है मुश्किल सी, हाई ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की नहीं समझ आती ना भाई। इस तरह की टर्में मैं चार दिन मानूँ आप बड़े इंप्रेस हो जाओगे, क्योंकि छठे दिन जाके आप डरना शुरू हो जाओगे, मेरे को तो नहीं होना सीएस, ठीक है। यही प्रॉब्लम है, मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा दुखी भी होता हूँ कि हमारे हमारे जो एक अकेडमी कल्चर है या हमारे जो मेंटर्स हैं, अभी ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि लोग एस्पायरेंट्स को इम्प्रेस करते रहते हैं। इंग्लिश बोलेंगे बच्चे इम्प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि हमारी वो कॉलोनियल मेंटालिटी है, ठीक है। फॉरेन इंग्लिश जो बंदा चार लफ्ज इकट्ठे जोड़ के बोल ले उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश के चार वर्ड्स बोलेंगे बच्चे इम्प्रेस हो जाएंगे, चार दिन इम्प्रेस हो गए, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं उन्हें आ रहा ये क्या कह रहा है बंदा। पूरा सेशन ले लेंगे, डेढ़ डेढ़ दो दो लाख फी भी दे देंगे, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? कुछ नहीं आता होगा, फिर खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो ये गलत है कल्चर। बच्चों को उनके लेवल पे जाके समझाओ, उनको कौम का नहीं पता, उनको मुल्क का नहीं पता, उनको सल्तनत का नहीं पता। आपको पता होना चाहिए आपके सामने जो स्टूडेंट बैठा है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो इन चीजों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा। आपको मजीद पीछे जाना पड़ेगा तो जाओ जाओ, आप लोगों का दवानी का प्लान आप जा सकते हो, आपके लिए तो जाया जा सकता है ना जी, आप आराम से इन चीजों को समझ सकते हो। लेकिन जो बेचारे दो तीन महीने का सेशन लेते हैं जो कि आज कल्चर डेवलप हो चुका है, वो गलत है। अब दो तीन महीनों में आप बच्चे के ऊपर से सीएसएस सारा गुजारने की कोशिश करो, भाई तीन महीने में तो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आते चीजों के। और खास करके जो साइंसिस के बच्चे हैं उनको तो कुछ समझ नहीं आता क्या कह रहे हो आप लोग, क्योंकि सीएसएस में ज्यादातर तो सोशल साइंसेज है ना जी,
हिस्ट्री है, लॉ है, सोशल साइंसेज है. सो हमारे पास पॉलिटिक्स के बाद, मैंने कहा था कि पॉलिटिक्स जो है रेस्ट लेनी है अभी आप लोगों ने, थक रहे चल कंटिन्यू करें. अगर आप लोग बोर नहीं है तो ठीक है, नहीं तो करनी है तो कर ले, मुझे कोई मसला जी. कलेक्टिव डिसीजन है, कोऑपरेटिव है, नॉन कंफ्लिक्ट के साथ चल, नॉन वायलेंस. ठीक, यही हमने पॉलिटिक्स की है अभी. ठीक है, आगे चलते हैं. मैंने कहा कि स्टेट होगी तो पॉलिटिक्स होगी. तो स्टेट क्या चीज है, ये मां जो मैं बार बार कह रहा हूं, रियासत पाकिस्तान, वतन पाकिस्तान, ये चीज क्या है. दुनिया पे 200 से ज्यादा ममालिक है, 193 यूएन के साथ रजिस्टर्ड है, यूएन के मेंबर्स हैं ये लोग. ये जो कंट्रीज हैं इनके सिटीजन होते हैं. जरूरी नहीं है कि एक मुल्क के अंदर सिर्फ एक कौम ही बस रही हो. जरूरी ये भी नहीं है कि एक कौम एक मुल्क में ही बस रही हो. कुर्द दुनिया की सबसे बड़ी स्टेट लेस नेशन है. इराक, ईरान, तुर्की, सब में है वो. मुल्क नहीं है उनके पास अपना, मुल्क नहीं है अपना, स्टेटस पीपल. रोहिंग्या सुने हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स, ठीक है. ये म्यांमार जिसका पहला नाम बर्मा था, ये वहां के सिटीजन है. बेसिकली पाकिस्तानी है. ईमानदारी से अगर सोचा जाए तो ये पाकिस्तानी है. मैं रिलेट करके बताता हूँ आपको कैसे. जब ब्रिटिश एम्पायर था यहाँ पे, ब्रिटिश थे तो उनकी कॉलोनी हम भी थे. कॉलोनी कहते थे उसको, कॉलोनी हम भी थे, इंडिया यानी कि बरसवीर, और बर्मा भी था इंडिया के साथ. उस टाइम के इंडिया के साथ इमीजिएटली जो अगला मुल्क था वो बर्मा था. ईस्ट में जाएं तो बर्मा था, उन्होंने उस पर भी कब्जा किया हुआ था. तो जो रूल यहाँ पे था वही रूल वो भी वहां पे भी चल रहा था, थोड़ा बहुत चेंज करके अकॉर्डिंग. तो जो बर्मा था वो बाद में आजाद हो गया, हम भी आजाद हो गए. तो बांग्लादेश के कुछ लोग, जब पाकिस्तान और इंडिया डिवीजन हुई तो बांग्लादेश के कुछ लोग बर्मा में जो काम शाम करते थे वो वहीं रह रहे थे. उनको तो था एक ही मुल्क है, या ब्रिटेन का एक ही मुल्क था ना जी, एक ही कानून चलता था. बर्मा तक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये सारे एक ही मुल्क था ना जी, ब्रिटिश एम्पायर था ये. तो वहां पे थे जब पाकिस्तान बना, पार्टीशन हुई, तो उस टाइम कुछ वहां पे रह गए, कुछ वापस आ गए. स्पेशली 1971 के अंदर कुछ और फैमिलीज वहां मूव कर गई, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे उनके साथ जो बाद में हुआ वो भी नहीं बताने वाला, जो लोग हम लोगों ने उनके साथ किया बंगालियों के साथ वो भी नहीं बताने वाला. ठीक है, तो उस टाइम 1971 में कुछ लोग वहां से म्यांमार चले गए, जिसको नया नाम है बर्मा का. वो वहां से 40 साल से रह रहे हैं लेकिन नेशनैलिटी नहीं दी. बर्मीज कहते हैं कि आप बंगाली हो, बंगाली कहते हैं कि आप बंगाली नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ पैदा ही नहीं हुए, आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं हमारे पास. अब उनको कोई लेने के लिए तैयार नहीं है. बर्मीज ने यहाँ तक किया कि उनको मारना शुरू कर दिया, उनका जेनोसाइड शुरू कर दिया. जेनोसाइड होता है किसी की नस्ल कुशी करना, किसी को टोटल खत्म करने की कोशिश करना. वो बेचारे कश्तियों पे चढ़ के वो ज्यादातर मछेरे हैं, समंदरों के अंदर भटक रहे हैं. समंदर एक खास लिमिट के बाद इंटरनेशनल वाटर आ जाता है, वो किसी की भी वहां पे रूल नहीं होता. ठीक है, 12 नॉटिकल माइल होता है जहां पे हर कंट्री का हक है. नॉटिकल माइल आम माइल से थोड़ा सा बड़ा होता है. ठीक है, उन 12 नॉटिकल माइल के बाद फिर 12 नॉटिकल माइल आता है. ये इंटरनेशनल लॉ है जो मैं बता रहा हूँ, जो कि आपका कंटिगुअस जोन होता है. कंटिगुअस जोन 24 नॉटिकल माइल हो गए, उसके बाद का जितना इलाका है, जितना भी वाटर है, इंटरनेशनल वाटर्स कहलाता है, वहां पे किसी स्टेट का कानून इंप्लीमेंट नहीं होता. ये जो 24 नॉटिकल माइल है यहाँ, उस मुल्क का लॉ लगेगा जिस मुल्क जो उसके साथ है, वो इंटरनेशनल वाटर्स में बेचारे बैठक करेंगे. तो आप समझ आइए, जब स्टेट नहीं होती तो क्या होता है, वो कहीं नहीं जा सकते. कहीं जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, शनाख्त चाहिए. दुनिया पे लोग पूछते हैं भाई कौन हो तुम, अब अपना नाम बताते हो. वो आपका नाम तब तक नहीं मानेंगे जब तक आपका आईडी कार्ड नहीं देखेंगे. क्यों दिखाते हो अपना आईडी कार्ड,
क्योंकि वो माँ ने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है आपकी कि मेरे पोते का ना मेरी धी का ना है वा ऐसे प्यो का ना है वा ठीक है अदरवाइज नहीं मानते हैं ना जी। पासपोर्ट भेजते हो ना जी वीजा लगने लगेगा इसके ऊपर तभी को सादा एप्लीकेशन भी भेजिए इसके ऊपर वीजा लगा दो नहीं कहते हैं जो माँ ने डॉक्यूमेंट दिया ट्रैवल डॉक्यूमेंट उसके ऊपर लगाएंगे हम क्योंकि तुम्हारी वो शनाख्त है तो ये रियासत देती है। ये रियासत क्या है? रियासत क्या है जो इतनी इंपॉर्टेंट है? रियासत चार चीजों से बनती है। फोर कॉम्पोनेंट्स है इसके। जगह, उसके ऊपर लोग, उन लोगों ने मिलके गवर्नमेंट बना ली हो और वो गवर्नमेंट अपने अंदरूनी और बरूनी मामलात में आजाद हो फिर वो रियासत होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप अपने घर के अंदर 12 अफराद रहते हैं, मिसाल है वो 6 रहते हैं 4 रहते हैं, आपके पास जगह है, लोग भी रहते हैं, आप अपनी गवर्नमेंट बना लो कि अबू जी जो हैं वो हमारे किंग होंगे, एब्सोल्यूट रूलर होंगे, ठीक है, बड़े भाई प्राइम मिनिस्टर होंगे या बड़ी बहन प्राइम मिनिस्टर होंगी, जो भी कह लें होती वो मिनिस्टर ही है, मिनिस्टर से बयान होती है। ठीक है, सो आप एक रूल सेट कर लें क्या आप स्टेट हैं, आप तब स्टेट बनेंगे जब आप अपने अंदरूनी और बैरूनी मामलात में आजाद हों। ठीक है, वापडा वाला आपके घर में बिल फेंक देगा, पानी का बिल आ जाएगा, एक्साइज वाले टैक्स फेंक जाएंगे, ठीक है, शोर करोगे तो पुलिस बुला लेंगे हमसाए। आप स्टेट नहीं हो, आप तब स्टेट हो जो आपका जो दिल करता है करो, कोई बंदा आपको पूछने वाला ना हो, फिर आप स्टेट हो। ठीक है, रियासत पाकिस्तान जो मर्जी करती फिरे, जो मर्जी कर रही है अपने लोगों के साथ अपने साथ, क्या बाहर से कोई बंदा आके कहता है आपको कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, या हम मानते हैं उसकी बात? रियासतें नहीं मानती, यही तो मसला बना हुआ है। खान साहब कहते हैं कि मेरी गवर्नमेंट बाहर से किसी के कहने पे गिराई गई है। बंदा कहते यार कहने ले कहते रहने तो की मसला है, पर वो कहते रहे रियासतों ऐसे नहीं होता। रियासतों में बाहर से कोई बंदा किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और डिक्टेट करे तो रियासतें डिक्टेशन नहीं लेती, अगर वो डिक्टेशन ले तो फिर वो रियासतें नहीं है। क्यों डिक्टेशन नहीं लेती? क्योंकि आपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए उसको आजादी चाहिए। जब माँ अपने बच्चों की आजाद बेहतरी के लिए कोई काम नहीं कर सकती, उसको बाहर से पूछना पड़ता है, तो वो माँ नहीं है। माँ वही है जो ये सोचे ही ना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और उसको कोई पूछे भी ना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो अपनी मर्जी से अपने बच्चों की फलाह बहबूद के लिए कुछ करे, वो माँ है। इसलिए रियासत माँ है, इसलिए वो जो मुल्क है ना बीच में, कौम मुल्क सल्तनत, ये दो साइड वाली दोनों चीजें हैं ना, कौम और सल्तनत, इनको बीच वाली चीज ने संभाला हुआ है, इसीलिए इसको बीच में रखा हुआ है कि दोनों को जोड़ती है आपस में। ठीक है, तो रियासत के चार कंपोनेंट्स होते हैं, चंद अफराद एक टेरिटरी के ऊपर इकट्ठे होकर रहना शुरू कर दें और आपस में मिल के अफहाम व तफहीम के साथ एक गवर्नमेंट भी बना लें जिसके अंदर उन्होंने कोई एक प्रोसीजर रखा, उसको फॉलो करके एक रूलर, एक प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट, जो भी उनकी मर्जी है, जो भी उनकी मर्जी है वो हो, और उसके तहत उनकी गवर्नमेंट ने रन करना हो, और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट और वो लोग अपने अंदरूनी और बरूनी मामलात में किसी से डिक्टेशन ना लेने वाले हों। अभिनंदन त्यारे पे बैठ के आता है, चपेड़े खा के जाता है। क्यों खाता है पता है आपको? क्योंकि जिस टेरिटरी में वो आ गया है वहां उसकी इजाजत नहीं थी आने की। क्यों नहीं इजाजत थी? टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की जो रियासत है, इस रियासत की जो जमीन है ये मुकद्दस है, सिर्फ पाकिस्तान की, दुनिया के हर मुल्क की टेरिटरी मुकद्दस है उसके लोगों के लिए। यहां सिर्फ वो लोग आएंगे जो उसका तकद्दस का ख्याल रख सकते हैं, और वो हम डिसाइड करेंगे किसने आना है। पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू द लॉज,
वो लॉ कौन बनाते हैं? हमारे नुमाइंदे, मतलब हम ही बना रहे हैं। तो अभिनंदन अगर पाकिस्तान में आता है जहाज पे बैठ के 20, मुझे इस बात की यकीन है कि श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ने के बाद कश्मीर के लोगों से थप्पड़ खाने और मुक्के खाने तक उसका टोटल सफर जो है वो 8 से 9 मिनट का होगा। 8 मिनट पहले वो बंदा तैयारी में बैठ, क्योंकि बहुत स्पीड से जाते हैं ये जो जेट्स हैं। तो इसके पीछे का रॉकेट साइंस क्या है, क्यों मैंने मिसाल दी? क्योंकि पाकिस्तान सॉवरन स्टेट है। सॉवरेनिटी का मतलब यह है कि बाहर से कोई भी बंदा आके हमारे अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर करेगा तो फिर हम जहाज से उतार के जूते मारेंगे, ठीक है? ये होता है। पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले होते हैं, अमेरिका करता है, हमारी मर्जी के साथ हो रहे थे। आपको पता है इस बात का? हमारी गवर्नमेंट से इजाजत दी हुई थी। वो बाहर से कहते थे कि ओ हो जुलम, अंदर से इजाजत दी हुई थी, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए दी थी ना। खत्म हो गई, नहीं आए उसके बाद। ब्लैक वाटर CIA के एजेंट्स को हमने खुद वीजे दिए थे, जब लाहौर में मजंग के ऊपर 2-3 लड़कों को उसने मार दिया रेमंड डेविस ने, तो पाकिस्तान ने कहा अपने सारे स्पाइज उठा लो यहाँ से, हम खुद देख लेंगे टेररिस्ट कहाँ कहाँ पे, आपकी हेल्प नहीं चाहिए, सॉरी जाएं आप। वो चले गए। तो रियासतें खुद बताती हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और अमेरिका के अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि दुनिया की हर रियासत में जाके अपनी बात मनवा ले। अफगानिस्तान से मनवा लेता, दुनिया की सबसे वीकेस्ट नेशन है, मनवा लेता, नहीं मनवा सका भाई। रियासतें ऐसे नहीं जलती, रियासतें आपको रगड़ती हैं। $20 trillion का बरूद वहां जाया करते हो, फिर भी उनसे बात नहीं मनवा सकते। और वही तालिबान क्लाशनकोव्स लेके आ गए, उनकी बात मान रहे हैं, क्योंकि अपने बंदे हैं उनके, मान रहे हैं, ठीक है। वो अपने B-50 बम्बर्स के साथ और अपने F-16 F-15 ईगल के साथ और कुछ नहीं करवा सके, क्योंकि वहां की टेरिटरी के ऊपर जो लोग रहते हैं वो अपनी मर्जी की हुकूमत चाहते हैं। जब उनकी मर्जी की हुकूमत आ जाएगी वो अपने अंदरूनी मामलात में आज़ाद हो जाएंगे। जब वो अपने अंदरूनी में आज़ाद हो जाएंगे, फिर वो बरूनी में भी आज़ाद होने की कोशिश करेंगे। जब दोनों में हो जाएंगे तो प्रॉपर रियासत कहलाएंगे। गॉट इट? समझ आ गई आपको इस बात की? सो व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेट, व्हाट आर इट्स की कंपोनेंट्स, डिफरेंस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट एंड ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है कि दुनिया के अंदर रियासतें जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो वो चाहती हैं कि खास किस्म का सिस्टम डेवलप हो जाए जो उनके नेशनल इंटरेस्ट को बेनिफिट उनके उसके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। उसको वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, जो कि सुपर पावर्स बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि अमेरिका ने फॉर एग्जांपल वर्ल्ड पावर है तो उसने एक बना रखा है। वो ऑर्डर क्या है कि कोई भी मसला हो यूरोप, आपने मेरी बात माननी है, ठीक है, यूरोप मानता है, और उसने एक सेटिंग रखी हुई है, खास सेटिंग। उस सेटिंग के अगेंस्ट जो जाता है वहां हमला कर देता है, वहां उसको डेमोक्रेसी समझता है खतरे में, मुझे हमला करना चाहिए, ठीक है। वहां पे डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाती है, हमला कर दे। पीछे रीजन क्या होती है? अब देखिए इसराइल जो है छोटा सा कंट्री है, मतलब 60-70 लाख उसके अंदर यहूदी हैं, बाकी मुस्लिम पॉपुलेशन है सारी इसराइल के अंदर, फलस्तीनियन ज्यादातर इसराइल में रहते हैं। अब देखा जाए ये है तश्तान पुड़ाइना, सारे अरब कंट्री बिष्कार यहूदी लिया बैठा है, ऐसे ही है ना जी। 1922 से पहले तो इसराइल नाम की स्टेट ही नहीं थी, पैलेस्टाइन था ना जी, बल्कि उस टाइम तो पैलेस्टाइन भी नहीं था, रीजन था इधर, ये उस टाइम तो सऊदी अरेबिया भी नहीं था, उसमें अरेबियन पेनिनसुला कहा जाता था, और इस इलाके को जो जहाँ पे आज सऊदी अरेबिया है इसको हिजाज के एरियाज कहा जाता था। और ये सऊदी अरेबिया इसलिए है कि जो सऊद था उसकी औलाद है ये सारी, इसका ये अरेबिया है इसलिए, ठीक है। सो उस टाइम तो ये फिर बना दिया क्या कंट्री, इसको क्यों रखा गया बीच में? अरब को ठीक रखने के लिए। अरब को ठीक रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि इनके पास ऑयल है। ऑयल है तो क्या है? ऑयल के ऊपर अमेरिकन ट्रक्स चलते हैं, बिग ट्रक्स, GMC दी गाड़ी, ठीक है, बड़ियां गाड़ियां ऑयल तो चल रही है, फैक्ट्रियां ऑयल तो चल रही। वो जो ऑयल है वो अमेरिका की जरूरत है, लिहाजा उस जरूरत को पूरा करने के लिए भी जरूरी है कि वहां पर एक ऐसी सेटिंग रखी जाए, ऐसी फील्डिंग सेट की जाए कि वो कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो अपनी मर्जी के फैसले ना कर सकें, उनको हम हमेशा डराएं इसराइल से,
अब मुझे एक बात बताएं, हमारे पास F-16 है, F-16 है ना जी हमारे पास, हमने अभिनंदन का जहाज क्यों गिरा लिया था? हमारे पास कुदियो हिकल ताकतें हैं क्या? हमने को मंत्र पढ़ा था, किससे तबाह किया था? F-16 था, किया था MRM मिसाइल मार के गिराया था। वो देख भी नहीं सक रहा था जहाज को जब उसको अगर मिसाइल टक्कर गया था। MRM 150 किलोमीटर दूर से मारा जा सकता है। जब तक उसको पता चलता आगे जहाज इंतजार कर रहे हैं मेरा, तब तक मिसाइल उसके पास पहुंच चुका था, हवा से हवा में मारा गया था। वो कहां से सारी चीजें हमें लिए? अमेरिका से लिए हमने, हमने अमेरिका से लिए। अमेरिका ने हमें क्यों दी? बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए, क्योंकि अगर वो हमें नहीं देगा तो इंडिया हमें कच्चा खा जाएगा। ठीक है, वो हमें इस तरह के चीजें देता है। अभी अमेरिका और पाकिस्तान की कोई भी हालात ठीक नहीं है ना। रिसेंटली कांग्रेस में उनकी जो पार्लियामेंट है वहां पे एक बिल पास हो रहा है, पाकिस्तान के जो F-16 है उनके पुर्जा जार पाकिस्तान को दिए जाए ताकि पाकिस्तान अपग्रेड कर सके, ताकि इंडिया अगर दोबारा कोशिश करे अभिनंदन को भेजने की तो दोबारा उसको चपेड़े मार सके। ठीक है, ये क्यों किया जा रहा है? ये एक खास किस्म का वर्ल्ड पावर्स ऑर्डर रखना चाहती है। ऑर्डर मीन तरतीब एक एरिया के अंदर जो उनके इंटरेस्ट को सर्व करता है। इंडिया हमें कच्चा खा जाए, अमेरिका के इंटरेस्ट को ये सूट नहीं करता। अमेरिका को ये सूट करता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क रहे जिससे हमेशा हम इंडिया को डराएं, हमेशा हम इंडिया को डराएं कि अगर तुम मामलात अपनी मर्जी से करने की कोशिश करोगे। इंडिया अभी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूके पीछे चला गया है, और दुनिया में थर्ड जो है लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री पावर है, अगर थर्ड नहीं तो फोर्थ जरूर है। इसमें इस तनाजर में इंडिया अगर अपनी सोलो फ्लाइट लेना चाहे, कल को अपनी मर्जी से चीजें चलाना चाहे, तो अमेरिका ने उसके बैकयार्ड में पाकिस्तान को बैठा रखा है। हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल क्यों है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स क्यों है? ये अमेरिका ने बनवाए, आपको पता है? जब आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ोगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। अमेरिका की हमारे पर मेहरबानी है। ठीक हो गया, वो अलहदा बात है, हमने अमेरिका को फंसाया, ऐसा लिया हुआ कि अमेरिका हिल नहीं सकता था, वो टांगों में नहीं बंदे को दे लेते। अमेरिका ऐसे काबू आ चुका था हमारे, ठीक है, कि अमेरिका हिल नहीं पा रहा था। अमेरिका ने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट हमसे हेल्प मांगी, हमने कहा ठीक है आप असला बनाओ, रोग हम रिक्रूट करते हैं। सोवियत यूनियन मीन रशिया, और इसके साथ 22 ममालिक थे। ये अफगानिस्तान को फतह करने आए थे, जो गलती 20 साल बाद अमेरिका ने की। उन्होंने कहा ठीक है, अमेरिका को यहां में फुल एंगेज कर लिया इस जंग में, फुल एंगेज कर लिया, तो साथ ही हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फास्ट कर लिया। अमेरिका को पता था न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान, वो इतने तो नहीं पागल, उनकी इंटेलिजेंस बहुत फास्ट है, सारा पता था, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। वो पाकिस्तान को दबाते थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो करो, हम क्या करते थे, हम कहते थे ठीक है, हम इधर से मुजाहिदीन स्लो कर देते थे जो अफगानिस्तान में लड़ने जा रहे थे ना रशिया के खिलाफ। हमने जलील किए रखा अमेरिका को, अमेरिका अल्टीमेटली गिवन कर गया। उसने कहा ठीक है कंटिन्यू रखो। सिर्फ ये नहीं किया, मिसाल देता हूँ, मेरे एक जाने वाला एक बंदा है, तो वो नलायक है काफी, तो वो बीए का कहीं एग्जाम दे रहा था, तो पुराने जमाने की बात है, जब पुराना इतना भी नहीं, मेरा गुजरात से ताल्लुक है, तो एक जमाने में चौधरी बरादरान जब वजीर आला थे, तो उस टाइम गुजरात का कल्चर बड़ा गन कल्चर था, और बहुत ज्यादा अजीब सा एनवायरमेंट था। वो एक वजाहत फोर्स थी, शजात साहब के भाई हैं वजाहत साहब, इनके वजाहत फोर्स के नाम से गुंडे थे सारे, वो उसका मेंबर था। उसका पेपर हो रहा था, तो वो नकल लगा रहा था सुपरिटेंडेंट से मिलके। वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन इंगेज थी, क्योंकि उनकी पावर में थे, उन्होंने सब मैनेज किया हुआ था। अब एक लड़का साथ बैठा हुआ ना, उसको तंग कर रहा है कि मैं सुपरिटेंडेंट दसांगा, ये तो मैंने दिखाया, तो नकल ला रहे हैं। अब वो उसको बार कहता, मैं उसको बार बार कहूँ तो मुझे तंग ना करो, वो मुझे कुछ नहीं कहता, तुम मुझे कुछ ना कहो। उसको समझ नहीं बात आ रही थी, वो जब देखे नकल लगा रहे, वो फिर कहे मैंने बताना है, कहते मेरे पास पिस्टल था, यानी एग्जामिनेशन के हाल के अंदर बंदा पिस्टल लेके बैठा हुआ है, पेपर लिख रहा है। तो मैंने पिस्टल निकाला, मैंने सीधा किया, मैं हूं तू एक लफ्ज भी बोलिया था, मैं तेरे अंदर 7 गोलियां टूटनी ने। कहता चुप कर गया, डर गया बेचारा, कांपने लग पड़ा। कहता अब उसने क्या काम शुरू कर दिया कि जब भी वो निगरान आए ना मेरे पास आए, तो मुझे बताए भाई अंदर कर ला, निगरान आ रहे। ठीक है, सीन क्या है
अमेरिका ने हमारे साथ भी फिर ऐसे किया। मैं स्टोरियां सुना के आपको हमेशा रिलेट करूंगा, मैं फजूल में नहीं बात करता। इसराइल ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने का प्लान किया 1984 के अंदर, इंडिया के साथ मिलकर। इसराइल के तैयारे इंडिया में आकर लैंड किए, रीफ्यूल होने थी, फ्यूलिंग कराने के बाद उन्हें पाकिस्तान आना था, कहूटा में हमारी रिसर्च लैब को डिस्ट्रॉय करना था और वापस इंडिया चले जाना था। जब वो तैयारे आकर इंडिया लैंड किए हुए तो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के ISI को बताया कि तुहाडा कहूटा उड़न लगा, एनू साम लो। समझ आ रही है आपको इस बात की? अमेरिका क्यों बता रहे हैं हमें? क्योंकि अमेरिका को इस बात का पता था अगर पाकिस्तान की कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी तबाह हो गई तो पाकिस्तान ने हमें अफगानिस्तान के अंदर तबाह कर देना, लिहाजा इसलिए पाकिस्तान को बचाया जाए। ठीक है, उन्होंने हमें बताया तो पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसराइल की गवर्नमेंट को यह सिग्नल दिया कि हम अभी इतने कमजोर नहीं है, और इंडिया को भी कन्वे किया कि अगर ये हुआ तो मैसिव जंग होगी, और जो जंग होगी उस जंग के अंदर अमेरिका ने मजबूर किया हुआ है वो आपकी साइड ले नहीं सकेगा, क्योंकि वो तो हमारी लेगा, हमने काबू किया हुआ है उसको, लिहाजा बेहतर है पीछे हट जाओ। इंडिया को ये बात समझ आ गई, इंडिया ने इसराइल को काबू पर तैयार चुको, वापस तेल अवीव जाओ। ठीक है, हिस्ट्री की बातें हम लोग पढ़ेंगे दांतों में। सो ये जो इंटरफेरेंस है ये स्टेट्स बर्दाश्त नहीं करती, कतन नहीं बर्दाश्त करती, क्योंकि वो सॉवरन होती हैं। वर्ड क्या नहीं मैंने बोला? सॉवरन, यही कॉन्सेप्ट है सॉवरनिटी का, इंटरनल और एक्सटर्नल मामलात में आजादी। ठीक है, अगर हम इसराइल के तैयारे पाकिस्तान की कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं, भाई आप काहे के आजाद हो? बाहर से एक बंदा आया, आपकी लेबोरेटरी तबाह करके चला गया, तो आपने उनको बताया कि ये हमारी सॉवरेनिटी पे हमला होगा और हम अपनी सॉवरेनिटी के लिए बीइंग अ स्टेट आपसे ऑल आउट वॉर करेंगे, क्योंकि अगर सॉवरेन नहीं है हम तो हम स्टेट नहीं है, हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा, और इस वजूद के सर्वाइवल के लिए हम मरे या जिए हम आप पे अटैक करेंगे। समझ आ गई उनको? ऐसी ही समझ अमेरिका को सीरियन वॉर में आ गई थी 2016 में या 17 में। सीरिया के अंदर सिविल वॉर चल रही थी और अमेरिका उस सिविल वॉर को चला रहा था, दाइश भी अमेरिका की ही पैदावार है। ठीक है, वो चल रही थी सीरियन फोर्सेस के अगेंस्ट, एक बहुत बड़ा महाज था, एक जत्था था, जैसे अभी एक बना हुआ है हमारे जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जैसे गवर्नमेंट का, ऐसे ही डिफरेंट जो जमातें उन्होंने मिलकर बनाया हुआ था और लड़ रही थी। इसका साथ सीरिया दे रहा था और रशिया दे रहा था सीरियन गवर्नमेंट का, यानी शाम की हकूमत का साथ कौन दे रहा था? रूस। और जो बाकी लोग सारे थे उनका साथ दे रहा था अमेरिका और इसराइल। एक वक्त आया कि जो गवर्नमेंट थी शाम की वो हारने लगी थी, रूस को समझ आ गया कि मैंने जितना भी पैसा लगाया ये जाया होने लगा है, बशार अल असद जो उनका प्रेसिडेंट है ये तो जंग हारने लगा है, और ओबामा को भी ये नजर आ गया कि ये तो जंग खत्म होने वाली है। सो इज अ टाइम 16 की शायद बात आई, ओबामा ने ऐलान किया कि मेरा जो फिफ्थ फ्लीट है जो कि गल्फ में है, यानी कि जो अरेबियन कंट्रीज उनके साथ लगता है समंदर, वहां पे उनका एक फ्लीट यानी जिसके ऊपर बहरी बेड़े जिसके ऊपर जहाज शहाज है और बाकी उसके पास शिप्स वगैरह, उनको ऑर्डर किया कि आप सीरिया का रुख करो और वहां जाके उनकी गवर्नमेंट को मिलिया मेट कर। पहले अभी तक वो खुद नहीं डायरेक्टली लड़ रहे थे, इधर से रूस ने अपनी फौज को ऑर्डर दिया मर जाओ या मार डालो, अमरीकियों से लड़ना पड़ता लड़ जाओ, लेकिन शाम की गवर्नमेंट नहीं गिरनी चाहिए। रशिया के शिप्स ने जब मूव किया ना शाम की तरफ तो एक टेंशन की फिजा बिल्ट होगी दुनिया के अंदर कि दुनिया की दो सुपर पावर्स आपस में लड़ पड़ने लगी। हुआ क्या? अल्टीमेटली अमेरिका बैक ऑफ कर गए, वापस बुला लिया, उनके रशिया तो लड़ने लगा इस बात पे, वाकई ही लड़ने लगा है, वो पीछे चले गए। सो स्टेट्स क्या करती हैं? अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिक्स करती हैं, ये भी एक पॉलिटिक्स ही थी। समझ आ गई आपको? उन्होंने चेक किया कितने पानी में है रशिया, जब पता चला रशिया तो लड़ने लगा पीछे हट गए,
अभी यूक्रेन पे हमला किया, पूरा यूरोप अमेरिका नहीं चाहते थे यूक्रेन पे रशिया हमला करे, उसने कर दिया। क्यों नहीं लड़ते रशिया से डायरेक्टली? क्योंकि उनको पता है इस बात का, जब लड़ेंगी तो न्यूक्लियर जंग हो जाएगी और उसमें मैड एक टर्म यूज होती है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये तो मैड है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एक टर्म है यूज होती है ये नेशनल सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशन में, अगर आप लोगों को टॉपिक पढ़ा होता उसमें। सो तो हमें क्या समझ आई, जो स्टेट होती है उसकी डेफिनेशन आप अब पढ़ लेना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। मैं इस हक में हूँ भी नहीं कि चीज़ों को मैं रटाऊँ आपको यहाँ से बैठ के, कॉन्सेप्ट देना मकसद था। स्टेट आपको समझ आ गई, एक बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग जो होते हैं वो आज़ादी से अपने फैसले इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो सॉवरन होते हैं, और सॉवरेनिटी इंटरनल और एक्सटर्नल आज़ादी को कहते हैं, ठीक है। और वो आज़ादी अगर कोई छीनने की कोशिश करे तो सर्वाइवल की जंग लड़ी जाती है, वो जंग रियासतें लड़ती हैं। हिटलर जिस फौज से हमले कर रहा था सबको पता था हम गर्क हो जाएंगे इससे लड़ें तो, इससे लड़ेंगे तो गर्क हो जाएंगे, लेकिन लड़े, क्योंकि अगर नहीं लड़ते तो एक रियासत पाकिस्तान कह देती है, लेट सपोज कह देती है कि बाटापुर लाहौर का एक इलाका है, कि इंडियन फोर्सेस अगर बाटापुर का एरिया क्रॉस करेंगी तो हम इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देंगे, ठीक है। पाकिस्तान ये डिक्लेयर करता है एज अ स्टेट, मैं मिसाल दे रहा हूं कि बाटापुर का इलाका जो है या इसकी सीध में सारा पाकिस्तान, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर इंडिया के बॉर्डर से अंदर है। अब 5 किलोमीटर हमारी स्टेट के अंदर रियासत आपकी आर्मी आएगी तो हम इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर हमले कर देंगे, ठीक है, और एक साथ करेंगे। अगर इंडिया की फौज आ जाती है फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर सर जोड़े जाएंगे। फिर पाकिस्तान को पता है कि हमने गर्क हो जाना है, क्योंकि हमने हमला करना, उन्होंने भी करना, लेकिन चूंकि हम रियासत हैं और हमने एक बात की थी, रियासतें तबाह हो जाती हैं इन बातों पे। क्यों? कि उनके बच्चे महफूज नहीं होते, वो कहते हैं बेहतर है मर जाओ, लेकिन बच्चे महफूज नहीं है तो मर जाओ, बच्चे हम हैं, तो वो क्या कर देगी, अटैक कर देगी, कर देगी न्यूक्लियर हमले। इसीलिए जब रियासत को डिक्लेरेशन देती है तो दूसरी रियासत उसको नहीं ब्रेक करती। जब प्यूटन ने कहा था कि अमेरिका से लड़ना पड़ा तो हम लड़ जाएंगे, दूसरी रियासत दुनिया की सुपर पावर थी पीछे हट गई, क्यों, पता था अब लड़ना पड़ जाएगा। रियासत उस पोस्चर में आ गई है कि अब इसके साथ अगर हमने मजीद इंटरफेयर किया इसके इश्यूज के अंदर तो ये मारे। सो रियासत पॉलिटिक्स बहुत कम पढ़ाया आज तक, जितने भी बैचेज हैं सबसे कम आप लोगों को मैंने पहले, क्योंकि मैं बीमार था, मैं पका देता हूँ पढ़ा पढ़ा के, ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि चीज़ें जितनी भी मैं पढ़ाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं इंटरेस्टिंग रहूँ टॉपिक्स को, आपको जितना नॉलेज दे सकूँ दूँ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है जो लिखा हुआ है ये मैं आपको बताऊँ, ये ज़रूरी है कि आपकी बेस के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट मैं डाल सकूँ अपनी तरफ से वह ज़रूर डालूँ। मैं आपको पॉलिटिक्स, फलसफा, साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, लिटरेचर, हर जगह घुमा के लेके जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपने वो चीज़ें जो मेरे से सुननी है इस तरह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख लिया करो, ये नहीं याद रहती, बाद में देखा करो इन चीज़ों को ये क्या थी, ठीक है। यही तो आपकी वो आपकी डिस्टिंक्शन होनी है कल को एज एन एस्पायरेंट। दूसरे एस्पायरेंट को इन चीज़ों का नहीं पता होता, मैं जानता हूँ आप लोग अभी आए हो, पहला कदम है आपका। मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 3-3 भी अटैम्प्ट्स दिए हैं, किसी बात का नहीं पता, खलासे लिए हुए हैं, किताबें उठाई हुई हैं, ठीक है, रट्टे लगाए हुए हैं, जाके छाप आते हैं, फेल हो जाते हैं, ऐसा पास नहीं होते, पास हो जाए तो मार्क्स नहीं आते, मार्क्स आ जाए तो एलोकेशन नहीं होती, इतने कम होते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने एज एन एस्पायरेंट ये सोचना है कि ये आपके रिटन और आपके इंटरव्यू दोनों की इकट्ठी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशन है। तो मैं जो आज चीज़ें बताई हैं मैं आपको रिलेट करके बताने लगा हूँ, फाइनल उसके बाद हम जाते हैं। आपने पाकिस्तान अफेयर्स तो पढ़ना ही है, पढ़ना है, आपने इस्लामिक स्टडीज़ भी पढ़नी है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसके बिना तो नहीं, ऑप्शनल जो मर्जी रखें आप, पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, ऐसे ही है ना जी, करंट अफेयर भी आप पढ़ेंगे, ओके।
हम इन तीनों सब्जेक्ट्स पे रहते हैं, बाकी तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी और एसए, एसए को भी आपने करना है। हम मुझे एक बात बताएं, एक एसए आता है, मैं जो आगे बात बता वही कर लेते हैं, डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान वो खतरे में है, अक्सर आता है ऐसे। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, क्या रियासत की बात नहीं करोगे आप? राइट्स की बात नहीं करोगे आप? पॉलिटिक्स की बात नहीं करोगे आप? सारी करनी पड़ेगी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की भी बात करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, ऐसे से निकल आते हैं, ऐसे को एनवायरनमेंट ले लेते हैं। अब एनवायरनमेंट का स्टेट के साथ क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान के ग्लेशियर्स अगर रैपिडली डिप्लीट कर रहे हैं, क्या हमने वो पोल्यूशन जनरेट किया है? वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न कंट्रीज में हुई थी, वो पोल्यूशन उनका दिया हुआ है। वो रियासतें अपने घर में जो गंद डाल रही हैं वो उड़ के हमारी तरफ आता है और हम मर रहे हैं बीमारियों में, सैलाबों में, ठीक है? और क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का हो रहा है, तो रियासत फिर काहे की इंडिपेंडेंट हुई जब एक्सटर्नल मामलात में वो मैनेज ही नहीं कर पा रही, पोल्यूशन ना आए उसके घर। तो रियासतें इसलिए बाउंड करती हैं, पेरिस एग्रीमेंट, मिलेनियम समिट, ठीक है, UNFCCC, ये सारे क्यों होते फिर रहे हैं? क्योंकि रियासतें कहती हैं कि गन तुम डालते हो, बच्चे मेरे मरते हैं, बच्चे मेरे मरते हैं। चाइना के अंदर एक भुखे पीने नू गरीब आदमी नू भूख लग जाती है, चमगादड़ खा लेता, पूरी दुनिया कमरे में बढ़ जाती। लॉकडाउन, COVID-19 की भी स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, एक गरीब चाइनीज, यही दुनिया में पता निकली है ना बात, कि वो बैट कमीट खाया उसने, और बैट कैट डॉग ये वहां पे गरीब ही खाते हैं। हर खाने में तो सारे चीनी कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उसने खा लिया, उसमें वायरस था, वो वायरस उससे आगे ट्रांसफर हुआ, करते करते पूरी दुनिया में फैल गया। फैला ना, रियासतें इन्वॉल्व हो गई, रियासतें उसी टाइम इन्वॉल्व हो गई, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, एड्स आना शुरू हो गई। ये सारी चीजें आप जो मर्जी कर लो, एनवायरनमेंट था, मैंने हेल्थ भी बात कर दी, पॉलिटिक्स स्टेट जुड़ी हुई है। अब स्टेट इसमें कैसे जुड़ी हुई है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इसको चाइना वायरस कहता था, उन्हें पाबंदियां लगा दी चाइनीज के ऊपर। यूरोप के अंदर चाइनीज रेस्टोरेंट बंद हो गए, चाइनीज लोगों को फायर कर दिया गया, चाइना ने उन लोगों की सोशल सिक्योरिटी के ऊपर हेल्प की, उनको पैसे भेजे अपने मुल्क से, क्योंकि उनको हर जगह से फायर कर दिया गया था, उनको नौकरियां नहीं दे, लोग नफरत करते थे, इनकी वजह से हमें वायरस आया। तो स्टेट चाइना की इन्वॉल्व होगी अपने लोगों को बचाने के लिए। हमारे लोग याद करें, जब अवैक्यूएट करवाए गए थे, भूल गए आप, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, COVID-19 में अवैक्यूएशन हुई थी हमारे, कुछ स्टूडेंट कजाकिस्तान में, कुछ रशिया में फंस गए थे, कुछ ईरान में हमारे जायरीन काबू आ गए थे, रियासत के गए थे, त्यारे गए थे ना जी, उनको तो पैसे तो नहीं लिए थे, माँ है ना इसलिए था के लाए थे उन लोगों को, इधर ला के छोड़ा था उन्हें, और इधर आके ताकि सब में वायरस फैलाओ, उन्होंने फैलाया भी था, पता था इस बात का हमें। सिंध के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर सेंटर्स बनाए गए, वहां लोगों को रखा गया कि आप लोग 14 डेज यहाँ पे रहो, उसके बाद वहां से लोग भाग गए, पाकिस्तानी है ना, जमींदार लोग हैं, भाग गए पूरे पाकिस्तान में, फिर भागे, सबको कोरोना दिया हमने, ठीक है। हमारे मार्च 2020 में मैं यहाँ पे लाहौर में एक बंदा जेल में आया, तो फर्स्ट टाइम जब डिटेक्ट हुआ तो वो सिम्टोमेटिक था, तो डॉक्टर जो है वो हमारे जेल के अंदर डॉक्टर होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, उन्होंने कहा कि हमें डाउट है कि ये बंदा कोविड पॉजिटिव है, इसका टेस्ट करवाया जाए। हमने ना खुफिया टेस्ट करवाया, उस टाइम इतने टेस्ट नहीं हो रहे थे, बिल्कुल ना खौफ था इसका, कैसे चुगताई वालों ने नया नया शुरू किया ना, तो Sputnik 5 उन्होंने किट्स मंगवाई थी बाद में, उससे पहले कुछ किट्स चाइना से और रशिया से मंगवाई थी, तो उसके जरिए वो कह रहे थे बड़ा एक्सपेंसिव, हमने वो खुफिया करवाया ताकि ऑन एयर मीडिया को तो चीज़ें चाहिए इस तरह की, तो पॉजिटिव आ गया। अब वो जेल के अंदर तो पिछले एक हफ्ते से था, 3-4 दिन से था, वो तो घूमता फिर रहा था, दंदनाता फिर रहा था अंदर। अब हम वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लग गए,
वो हजूर ने 142 लोगों को पॉजिटिव किया था, जिस जिस बंदे से मिला हमने उस उसको चेक करवाया, और वो बंदा जेल में कैसे लैंड किया, वो स्मगलर था, इटली से आया था, और इटली में आपको याद होगा उस टाइम बहुत पीक पे था कोविड, और वो इतने खौफनाक मनाजर आ रहे थे, और उनकी मिलिट्री जो है वो डेड बॉडीज को लेके जा रही है, असल पैनिक दुनिया में वहां से आया था जब आपने इटली की सिचुएशन को देखा। वो इटली से पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान से वो हीरोइन, ठीक है जी, अपने सामान में पैक करके ले जाने की कोशिश कर रहा था, और वो पकड़ा गया लामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, उस केस में वहां गया, क्योंकि वो इंडिया इटली से आया हुआ था, और जब वो डॉक्टर ने उसका सारा वो बैकग्राउंड चेक किया, ये तो इटली से आया था, और पूरे 1 वीक के बाद दोबारा इटली जा रहा था, तो ये इसको फ्लू और सारी वो चीजें हैं, उसके उसने कहा कि ये जो है ना मुझे कोविड पॉजिटिव लगता है, तो हमने जो है उस अकेले बंदे ने 142 लोगों को पॉजिटिव किया, तो हमारे उन लोगों ने जो उस ईरान से आए थे उन्होंने घर घर जाके कोविड दिया लोगों को। तो बात यह है कि रियासत इन्वॉल्व हुई, रियासत ने एनसीओसी बनाया, ठीक है एनसीओसी बनाया ना, एनसीओसी के मुताबिक इतने लोग, नेशनल कमांड एंड क्या था वो कंट्रोल सेंटर बिल्कुल बनाया ना, रियासत ने फ्री वैक्सीन दी आपको, बल्कि जबरदस्ती आपसे वैक्सीन लगवाई। देखिए बीमारी है रियासत के बीच में, बंदा नहीं लगवाना चाहता भाई, आप नौकरी पे नहीं आ सकते, आप नौकरी पे नहीं आ सकते अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, आप स्कूल नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते अगर आपने, यही हो गया था ना जी, रियासत इन्वॉल्व हो गई ना जी, यही बात है, कोई भी मसला हो इन्वायरमेंट पैसे लिखना लिखे, रियासत को कैसे माइनस कर सकते हैं, करके दिखाओ मुझे, यही कहना ना आप लोगों ने कि आप लोग जो है वो कार्बन एमिशन को कम करें, कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करें, इस तरह की बातें करेंगे ना, जिसके अंदर किसने करना है, ये पॉलिसी मेकिंग होनी है ना, वो किसने बनानी है, गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट किसका है वो स्टेट का हिस्सा है, तो स्टेट इन्वॉल्व हो गई, ये कमी नहीं जान नहीं छोड़ेगी आप, जो मर्जी पढ़ लो सीएसएस में, ये आपकी हर जगह जान नहीं छोड़ेगी, तो जो कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे पढ़ने हैं मैं आपको हर जगह लगा के दिखाऊंगा, ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आपकी बेसिक फाउंडेशन में ही एग्जिस्ट करते हैं आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे इसके आगे कॉन्स्टिट्यूशन आ जाना है, ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन को आप कहाँ माइनस कर सकते हो, कहीं माइनस नहीं कर सकते, जब मैं एक बात करूंगा लेट सपोज एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ माई पर्सन इज अ ह्यूमन राइट ऑफ एवरी पर्सन, जो भी इस दुनिया पे है, ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, और मेरी सेफ्टी मेरी सेल्फ की और मेरी डिग्निटी की ये चीज मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, और वो इंडेंजर्ड है, कैसे कैसे ये लोग सैलाब में रुल रहे हैं, मोटर वे पे मैंने ट्रैवल किया है, ये अच्छे खासे लोग हैं, सारे गरीब नहीं हैं, उनके घर उजड़ गए हैं, गर्क हो गए हैं, घर का सारा सामान, इमेजिन करें एक एक, एक लम्हे के लिए कि आपके घर की कितनी बिलोंगिंग्स हैं आपकी, सारी जिंदगी आपने उनके चीजों के साथ गुजारी है, वो सब कुछ ही चला जाए पानी में, घर तो गया ही गया, वो सब कुछ भी चला गया, और आपके पास तन के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ओके सही है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप इमेजिन करें कि आपका कैसे गुजारा होगा, तो ये आपकी डिग्निटी महफूज है नहीं महफूज, हाथ करना मांगना अमदाद लेना पैसे लेना कपड़े लेना खेमे लेना, क्या बंदा जीते जी कमाते जी मांग ले किसी से चीज लेता था, वो सबको लेनी पड़ी, क्या डिग्निटी महफूज है नहीं महफूज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हमने एज अ स्टेट प्रोटेक्ट करना है बचाना है, तो फिर बचाना है तो फिर एनवायरनमेंट को ठीक करें ना जी, एनवायरनमेंट को ठीक करें ना जी, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो एनवायरनमेंट भी ठीक हो जाएगा, सो कॉन्स्टिट्यूशन एनवायरनमेंट के साथ भी रिलेटेड, ठीक है आप जो सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट को आप हर जगह रिलेट कर सकते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स है करंट अफेयर्स है, इसके तमाम टॉपिक्स जितने भी हैं इसके एक एक टॉपिक के साथ ओवरलैप्ड है, ये पढ़ने के बाद आपको मसला नहीं होगा, ठीक है।
आप लोगों को जो कुछ मैंने बताया समझाया ऊपर से गुजरा कुछ समझ आया? ठीक है, सही है ये वाला कोर्स, ठीक है, ये इंफॉर्मेटिव कोर्स है और आप इंशाल्लाह इस कोर्स के साथ, मेरी रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, इस कोर्स ईमानदारी कीजिएगा, इसके साथ ईमानदारी कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि इसने आपकी फाउंडेशन बनानी है और नेक्स्ट वीक जो कुछ मैंने बताया ये देख के आइएगा, ठीक है, देख के आइएगा। मैं पूछता भी हूँ, आज बस बताया, पूछूंगा मैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ਇਸੀ ਡਾਟਾ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਪਲੇ ਟਾਈਮ ਖੇਡਿਆ ਕਰ ਦੋ ਮੰਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਾਲੀ ਉਧਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਲੇ ਲੈ ਦੋ ਮੈਂ ਬਸ ਦੇ ਨਾ नहीं कर रहे थे, चले फिर अब आपने कल करने। अच्छा चले फिर उनकी, देखिए हमने तो उनको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है ना, उनको मैं तो वो करूंगा कल। देखिए अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता, अगर सर उसको ड्रेस ना करते बात हो, आप कल कीजिएगा, आपके बच्चे को ड्रेस करेंगे, ठीक है। हाँ मुझे ना, ठीक है, अगर कोई आपका वो पेंडिंग होता है। मीटिंग एंड कर दी थी सर, मीटिंग एंड कर दी थी आपने? अच्छा बुक्स अभी हमने इनको सिर्फ इंग्लिश की दी है, जो अभी साथ साथ जो बुक्स हम स्टार्ट करेंगे साथ साथ इनको दे दें, आज वाली हैंड आउट्स भी दे दी है। हाँ नहीं वो एक्स्ट्रा रीडिंग है, ठीक है, वो सॉफ्ट में मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर है। अच्छा ना ठीक है, वो एक्स्ट्रा रीडिंग्स है, जो जो आप रिकमेंड करेंगे वो आप लोगों ने खुद ले लेंगे, हम जो यहाँ पे करा रहे हैं हम साथ साथ होते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, मुलाकात होगी सर। थैंक यू, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा लिखा है स्टार्ट में, आपने नेचर ऑफ नॉलेज को सही लिखा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।